हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार अकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग एक गाना सीखने वाले हैं। जो गाना सीखने वाले हैं उसका नाम है आगे भी जाने ना तू, राइट। तो आगे भी जाने ना तू गाना बहुत ही फेमस गाना है और ये एक ऐसा गाना माना जाता है जो बिगिनर लोग भी बजा सकते हैं, क्योंकि ये गाना बहुत ही धीमे ताले चलता है, मतलब स्लो है गाना, तो बिगिनर लोग भी आराम से बजा सकते हैं। तो अभी जो इंटरमीडिएट या फिर एडवांस है उन लोगों की क्वेश्चन होगा, सर तो हम लोग क्या करें। ऑब्वियसली आप लोग भी गाना बजाएंगे, साथ ही साथ मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, प्रील्यूड तो है ही, प्रील्यूड ऐड करूंगा, इंटरल्यूड वन, एंड आपको मैं आज इंटरल्यूड टू भी देने वाला हूँ। शायद ही आप कभी इंटरल्यूड टू को बजाए होगे, यूट्यूब के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है ये मुझे पता है, पर शायद ही आप किसी के पास भी इंटरल्यूड टू कभी बजाए होगे इस गाने के लिए, ठीक है। तो आज आगे भी जाने ना तो जो गाना हम लोग सीखेंगे वो हम लोग मुखरांतरा वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ प्रील्यूड रहेगा, इंटरल्यूड वन रहेगा एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इंटरल्यूड टू भी रहेगा। हालांकि इंटरल्यूड वन भी शायद आपने नहीं बजाए होंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इंटरल्यूड वन अगर बजाए भी होंगे, इंटरल्यूड टू कभी भी आपने बजाए नहीं होंगे, ये गारंटी है, राइट। और हम लोग क्या करेंगे इस दौरान, हम लोग सीख लेंगे छोटा सा एक ट्रिक्स जिसका नाम है बेंडिंग। अभी बेंडिंग के लिए अलग से मैं वीडियो दे चुका हूं, ऑलरेडी मैं बना के दे दिया हूं, तो उस वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी इस गाने में छोटा मोटा जगह पर बेंडिंग आता है, तो वो वाले सेक्शन को हम लोग ट्रिक्स या मुड़की बोलते हैं। उस वाले सेक्शन को हम ट्रिक्स एंड मुड़की के जैसे ही हम लोग सीखेंगे, जो उसका परफेक्ट नाम है उसका नाम है बेंडिंग। आप पूछेंगे कि सर बेंडिंग कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कौन से यूज होता है, तो सब कुछ मैंने उस वीडियो में क्लियर करके बता चुका हूं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके दौरान आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि वो जो बेंडिंग हम लोगों ने सीखे थे वो एक्चुअली यूज कहां पर हो रहा था, मतलब कहां पर हो रहा है, ठीक है। वो हम लोग यूज या फिर एप्लीकेशन जो भी आप लोग बोलते उसको आज हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आगे भी जाने ना तो गाने को हम लोग ले रहे हैं, जिसमें हम लोग बेंडिंग का एप्लीकेशन देखेंगे। इस गाने में बहुत सारे जगह पर छोटा 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 बेंडिंग हम लोग करते हुए सीखेंगे, आगे सीखेंगे, राइट। पर एक चीज आपको जरूर याद रखना है, इस वीडियो के पहले आपको बेंडिंग की जो वीडियो है उसको देख लेना है। अगर आपने बेंडिंग मतलब नहीं सीखे तो उस वीडियो को जाके देख लेना है, या फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा बेंडिंग लिख लीजिए कहाँ कहाँ मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद आपको बेंडिंग की वीडियो देख के फिर आगे मतलब बजाना है, राइट। आपको समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं आगे भी जाने ना तू सॉन्ग। जैसे हम लोगों ने वादा किए थे कि ये वाले सॉन्ग को प्रील्यूड से लेकर मुखरा अंतरा इंटरल्यूड टू सब कुछ हम लोग देखेंगे, तो हम लोग प्रील्यूड से ही स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जो मैं हमेशा बताता हूं कि यही एक वीडियो है, ये लंबा चलेगा, डेढ़ घंटा दो घंटा जो भी चलेगा, इसी एक वीडियो में सारे पूरे जो सॉन्ग की बात है सारे कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रिक्स इम्प्रोवाइजेशन सारे कुछ मैं डाल दूंगा, आपको सिखा भी दूंगा। तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो होगा जिसको देखने के बाद आपको कोई सा भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा पर्टिकुलरली दिस सॉन्ग के लिए, राइट। समझ गए, 200% ये मेरा गारंटी हमेशा रहता है हर एक वीडियो के लिए। इस वीडियो में भी मैं 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिए, ये भी मायने रखते कि आप कंप्लीटली देखे कि नहीं, आप आधा देखे आधा नहीं देखे या छोड़ दिए वो तो आपके बात है, फिर भगवान भरोसा जैसे बोलते हैं, तो वो तो आपकी बात है, पर अगर आपने पूरे कंप्लीटली देख लिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी इंट्रोडक्शन, हम लोग 4 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, तो चलिए अभी हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चलेंगे सीधे गाने में प्रील्यूड में। चलिए हम लोग पहले बजा लेंगे, उसके बाद मेरे पास बोर्ड है, जो लोग हम लोगों से सीखते हैं उसको पता है बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हम लोग नोटेशन लिख लिख के आप लोगों को समझाएंगे। तो पहले हम लोग प्रील्यूड को बजाएंगे, फिर प्रील्यूड को सिखाएंगे, फिर मुखरा, ऐसे करके एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, राइट। तो चलिए पहले बजाते हैं प्रील्यूड, तो चलिए प्रील्यूड को बजाते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको घर में प्रैक्टिस करना है तो तब आपको देख देख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग्स की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 1, 2, 10 गाना तो आप बिना देखे कर सकते हैं, पर अगर 50, 100 गाना या फिर उससे भी ऊपर चला जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ब्रेन के लिए कि आप बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं भी देख देख के ही बजाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा देखा भी देता हूँ कि एक स्टैंड होता है वो स्टैंड भी आप खरीद सकते हैं, उसके ऊपर नोटेशन रख के आप बजा सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हम लोगों ने देखे है, ये सॉल्यूशन भी सुन लीजिए कि बहुत टाइम हम लोगों ने देखे कि जब बजाने के लिए जाए तो सलाइवा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। सलाइवा बहुत ज्यादा मुंह में भर जाता है, इसके लिए बहुत सारा सॉल्यूशन है, टांग ब्लॉकिंग तो इसका एक सॉल्यूशन है ही,
उसके साथ एक ये भी सॉल्यूशन है, मतलब लोगों को लोग बोलते हैं ये मेरा पर्टिकुलर खुद का सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं बताऊंगा ये मेरा पर्टिकुलर खुद का सॉल्यूशन नहीं है, पर ये बहुत सारे लोगों को मैंने सुनने के लिए आया था कि ऐसे करने से उन लोगों की जो सलाइवा की प्रॉब्लम है वो हट गया। और मैं पर्टिकुलरली अगर बोलूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट से मिलता हूँ, सैड टीचर से मिलता हूँ, तो उन लोगों की अकॉर्डिंग मैं अगर पूरा समाप्त करूँ ना, तो पर्टिकुलरली ये जो सॉल्यूशन है ये मान लीजिए कुछ हिस्से था, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है, अभी कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है। टांग ब्लॉकिंग एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, उसको छोड़ के ये वाला सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं। अगर आपका सलाइवा की प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल, हो जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो मुझे गाली मत दीजिएगा, राइट। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन क्या है, मतलब सॉल्यूशन है जब हम लोग हारमोनिका बजाते हैं तो हम लोगों की जो कॉपी रहता है, अगर हम लोग देख के बजाते हैं तो हम लोग की कॉपी नीचे रहता है, ऐसे नीचे रहता है, तो हम लोग ऐसे देख के बजाते हैं, तो इस दौरान क्या होता है हम लोगों की सलाइवा ज्यादा आ जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप ऐसे करके बजाए, अगर आप ऐसे थोड़ा सा मुंह को ऊपर करके बजाए तो जो सलाइवा है वो अपने आप गले से उतर जाता है, राइट। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, पर ये सॉल्यूशन है, ओके okay, मतलब बहुत लोगों को मैंने देखे है सॉल्यूशन बोलने के बाद उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हो गया, पर ऐसे कुछ भी लोग थे, 2-3-4 मुझे देखने को मिला जिसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो जो सामने कुछ अगर होगा, जैसे नोटेशन स्टैंड हम लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं, इसको थोड़ा सा घुमा के मैं दिखा देता हूं, देखिए। तो देखिए ऐसे कुछ नोटेशन स्टैंड है मेरा, ऐसे कुछ नोटेशन स्टैंड है, ये मेरा बोर्ड है, ओके आप देख सकते हैं, और ऐसे कुछ नोटेशन स्टैंड है, इसके ऊपर मैं कॉपी रख के बजाता हूँ, इसको ये क्लैम्प करके दिए हैं, ये दोनों क्लैम्प पर है, इसको अगर आप करेंगे खुल के आप उठा भी सकते हैं इसको जितना चाहे, मतलब पूरा आपका 5 फीट, 5.5 फीट का ये शायद है, तो ये उठ जाता है, बहुत ही ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे आप क्लैंप के साथ, क्लैंप के जरिए उसको अप डाउन कर सकते हैं। और ये होता है आपका नोटेशन, अगर आप रखेंगे डायरी तो अगर आपका पेज उड़ ना जाए इसके दौरान, ये आपको प्लेस करना होता है, ठीक है। ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, नोटेशन स्टैंड बोल के लिखेंगे तो चला आएगा, आप ऑफलाइन शॉप से भी खरीद सकते हैं। चलिए अभी हम लोग प्रील्यूड को पहले बजा लेते और देखते कि उसका साउंड कैसे है, और उसके बाद मैं आपको बोर्ड में लिख के समझा दूंगा कि उसकी नोटेशन क्या है, राइट। तो चलिए राइट। तो ये रहा आपका प्रील्यूड, एंड मैंने मुखड़ा का बस एक लाइन बजाया, तो पहले चलिए प्रील्यूड को देख लेते हैं नोटेशन क्या है, उसके बाद तो मुखड़ा अंतरा सब कुछ है ही, राइट। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते, तो चलिए अभी हम लोग नोटेशन को स्टार्ट करते, तो हम लोग हेडिंग डाल सकते, आप भी डाल दीजिए, आगे भी जाने ना तू, इस गाने को हम लोग सीख रहे, राइट, आगे भी जाने ना तू, बस इस हेडिंग को आप डाल सकते, इस हेडिंग को आप डाल लीजिए। और ये जो गाना हम लोग सीख रहे हैं ये भी आप लोगों का क्या है, सी स्केल हारमोनिका में सी स्केल ही है, ओके। मतलब हारमोनिका की जो स्केल है वो आपकी सी स्केल है, और नोटेशन की जो स्केल है वो भी आपकी सी स्केल है। आगे जाके मतलब इसके बाद हम लोग, मतलब बहुत दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं, सी स्केल हारमोनिका में सी स्केल ही सीख रहे हैं, पर आगे जाके इसके बाद जो भी नोटेशन मैं बनाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि सी स्केल हारमोनिका में दूसरे नोटेशन की जो स्केल है उसको भी बजा के मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। तो आज हम लोग सी स्केल हारमोनिका में ही सी स्केल की नोटेशन सीख रहे हैं, ये आप याद रखिए, राइट। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं प्रील्यूड के ऊपर, जो हम लोग इधर से लिखेंगे प्रील्यूड, प्रील्यूड को स्टार्ट करते हैं, तो प्रील्यूड आप हेडिंग कर सकते हैं, इधर से हम लोग प्रील्यूड स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ओके। तो नोटेशन जो स्टार्ट होता है वो अपर सा से स्टार्ट होता है, अपर सा भी कहां बजता है, कैसे बजता है, वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको मतलब मैं लिख दे रहा हूँ वैसे ही आपको डीटो कॉपी करना है पहले नोटेशन को, ओके। उसके बाद तो हम लोग आगे जाके सीखेंगे कि क्या चीज है, कैसे बजाते हैं, उसमें ट्रिक्स कैसे डाला जाता है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। और ये जो नोटेशन है ये 4-4 बीट करके चल रहा है,
आपको समझ में आ रहा है 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा नोटेशन कि वो चार चार बीट करके आपको बजाना है। ओके, तो चार चार बीट करके आप लोगों को ये नोटेशन को कम्प्लीटली लिखना है, पहले ढंग से लिखना है। तो इधर तो दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है आई होप, तो इधर भी मैं लिख देता हूँ धा पा गा। ओके, इधर तक गया, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आते तो पा फिर रे फिर कोलोन देकर, ये कोलोन है, कोलोन देकर आपका धा होगा लोअर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव। फिर टाइम बार, टाइम बार में रुकना नहीं है, टाइम बार मतलब वो चार चार बीट करके बस डिवाइड करके दिखाया गया है टाइम बार के लिए, टाइम बार में रुकना नहीं है, ठीक है। रुकना वहीं पर है जहां पर नोटेशन की गैप मिले, वही आपका डिनोट करता है। जैसे मतलब रुकना मतलब क्या, खींचना होता है, तो ये होता है नोटेशन गैप डैश डैश, तो उसमें आपको खींचना होता है। ये हाफ बीट का नोटेशन गैप, हाफ नोटेशन गैप हम लोग बात किए थे, और ये फुल नोटेशन गैप, एक मात्रा की गैप, ये हाफ मात्रा की गैप, राइट। तो हो गया सा, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं सा सा रे सा गा। तो ये जो नोटेशन है पहले हम लोग लिख ले इसको, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही लिखी, इसको ऐसे लिखी, क्योंकि बाद में जाके सेम नोटेशन कवर अप होता है, तो हम लोग डबल करके दे सकते थे, पर सेम नोटेशन वो हायर ऑक्टेव में कवर अप होता है। आपको समझ में आएगा, मैं लिख दूँ उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बात बोल रहा हूँ। तो उसको हायर ऑक्टेव में ही लिखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि दो बार बजाना है, ठीक है, हायर ऑक्टेव में ही उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रे गा पा गा सा, ये जो डॉट दिख रहा है ये हो गया आपका 1/4 नोटेशन गैप, ठीक है। रे गा डॉट पा गा डॉट सा ऐसे आपको बजाना है, फिर आपको बजाना है रे में आना है। ओके, रे में आके फिर चार बीट, फिर ये जो नोटेशन है ये है आपकी लोअर ऑक्टेव में, ठीक है। इसका मतलब होता है लोअर ऑक्टेव, हम लोगों ने बहुत टाइम सीखे है, ये नीचे अगर डायगोनल लाइन रहेगा तो आपका लोअर ऑक्टेव होगा, और नीचे अगर हॉरिजॉन्टल नीचे ऐसे मतलब कुछ भी नोटेशन होगा, एक्स नोटेशन मैं मान लेता हूँ, तो इस तरह होगा, तो इसका मतलब होता है लोअर ऑक्टेव कोई सा भी नोटेशन की। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, ये कैसा लाइन है, डायगोनल लाइन है, तो ये हो गया लोअर ऑक्टेव। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा तो हो गया क्रोमेटिक नोट्स। ओके, कोई भी नोटेशन में, अभी कोई भी नोटेशन में हायर में ऐसे रहेगा तो हो गया अपर ऑक्टेव, और कोई सा भी नोटेशन में वो अगर ऐसे रहेगा तो वो हो गया क्रोमेटिक नोट्स। अभी ऊपर नीचे में अगर रहेगा तो क्रोमेटिक नोट्स कैसा होगा, कोमल, कोमल होगा, राइट। और अगर ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा तो क्रोमेटिक नोट्स होगा, और कैसा क्रोमेटिक नोट्स होगा, तीव्र, ठीक है, तीव्र क्रोमेटिक नोट्स, जैसे हम लोग देखते हैं तीव्र मा होता है वैसे ही, ठीक है, तीव्र मा हम लोग बोलते, राइट, तीव्र मा बोलते, और इसके लिए हम लोग बोलते कोमल धा कोमल नहीं ऐसे कुछ बोलते। ओके, तो ये सिचुएशन आपको याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये सब आएगा, तो इसलिए मैंने बता दी, राइट। इसको मिटाते हैं, अभी नोटेशन में कंसेंट्रेट करते, नोटेशन हम लोगों ने हाफ लिखे, इसके बाद भी नोटेशन है, तो ये लोअर ऑक्टेव आपको पता चल गया, तो लोअर ऑक्टेव में ही चल रहा है, तो पहले मिडिल ऑक्टेव एंड लोअर ऑक्टेव में गाना चलता है, फिर आपका हायर ऑक्टेव में चला जाता है, हायर एंड मिडिल में गाना चलता है, मतलब जो प्रील्यूड है उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे, तो वही हो रहा है आपका, पहले मिडिल एंड लोअर, फिर आपका हायर एंड मिडिल। ओके, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम कॉपी करना है पहले। इतना दूर तक हुआ, अभी इसके बाद फिर से रिपीट होता है गाना, इधर से रिपीट होता है, तो इधर मैं सेकेंड ब्रैकेट कट दे, इधर से सासाड़े से फिर रिपीट होता है, पर सासाड़े अभी मिडिल में नहीं बचता है, सेम चीज देखिए, सासाड़े सागा रे गापा गासा, फिर मैं इधर लिखूंगा, पर इधर जो लिखूंगा इधर हो जाएगा आपका हायर ऑक्टेव में, तो जैसे था मैं वैसे लिख रहा हूँ, डैश कोलोन सासाड़े, डैश कोलोन सासाड़े, फिर सागा, सेम लिख रहा हूँ, पर ये सब होगा आपका कैसे, हायर ऑक्टेव में हो जाएगा, ये सब आपका हायर ऑक्टेव में हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, सेम नोटेशन। ओके, फिर आगे जाएंगे, डैश कोलोन रे गापा गासा, तो रे गापा गासा सेम लिख दिया हम लोगों ने, और ये क्या हो जाएगा, हायर ऑक्टेव में सब हो जाएगा, सब हायर ऑक्टेव में आपका हो गया। ओके, तो इसके बाद हम लोग रे गापा गासा, रे रे था तो रे लिखेंगे, डैश डैश डैश, और इसमें हायर ऑक्टेव दे देंगे। ओके, इसके आगे आएंगे, इसमें नीचे क्या था, हम लोग लिखेंगे कि पापा धाड़ी, अभी लोअर ऑक्टेव मतलब मिडिल ऑक्टेव उठ जा रहा है हायर ऑक्टेव में, तो लोअर ऑक्टेव ट्रांसफर हो जाएगा मिडिल ऑक्टेव में, आ गया समझ में, जो मिडिल ऑक्टेव था, जो मिडिल ऑक्टेव की नोटेशन था वो हो जा रहा है हायर ऑक्टेव में। ओके, वो हो जा रहा है हायर ऑक्टेव या फिर कि अपर ऑक्टेव में। ओके, तो लोअर ऑक्टेव की जो नोटेशन है वो हो जाएगा लोअर ऑक्टेव की, मतलब लोअर ऑक्टेव की जो नोटेशन है वो शिफ्ट कर जाएगा कहां, मिडिल ऑक्टेव में, आ गया समझ में, मिडिल ऑक्टेव में जो था वो हायर ऑक्टेव में शिफ्ट कर गया, और लोअर ऑक्टेव में जो था वो मिडिल ऑक्टेव में शिफ्ट कर गया, मतलब एक ऑक्टेव का पूरा चेंज हो गया। ओके, राइट, आ गया समझ में, इसको मिटाते, इसको मिटाते आराम से,
अच्छा तो हम लोग कहाँ तक लिखे, रे तक लिखे, राइट, रे तक लिख दिए, तीन डैश दे दिए, अब इधर से लिखेंगे तो डैश, अभी लोअर ऑक्टेव था, लोअर ऑक्टेव किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, मैंने आपको बताया मिडिल ऑक्टेव में, तो ये पापा धा रे सब कहाँ पर हो जाएगा, मिडिल ऑक्टेव में, पापा धा बस मिडिल ऑक्टेव में होगा, पापा धा मिडिल ऑक्टेव में होगा क्योंकि लोअर ऑक्टेव में था, पर रे आपका मिडिल में था तो अपर हो जाएगा, ओके okay? और ऐसे ही गाने में है, अगर आप गाना सुनेंगे तो ऐसे ही आपका गाने में आपका दिया गया है, ओके okay? ऐसा मिडिल ऑक्टेव में है तो हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, अपर ऑक्टेव में, सा रे गा, ये सब सा रे गा, ये सब आपका कहाँ हो जाएगा, अपर ऑक्टेव में हो जाएगा, ओके okay? फिर सा भी अपर ऑक्टेव अच्छा धा लोअर ऑक्टेव में था तो धा हो जाएगा मिडिल ऑक्टेव, ओके okay? और उसके बाद सा था आपका मिडिल ऑक्टेव तो सा हो जाएगा आपका अपर ऑक्टेव में, और डैश डैश बस डैश डैश डैश, उसके बाद आपका हम लोग लिखेंगे इधर से ही गाना स्टार्ट होता है गापा, इधर गापा, तो ये गापा से ही गाना स्टार्ट होता है, ठीक है, इधर से ही गाना स्टार्ट होता है, इधर से ही गाना स्टार्ट होता है, आई होप आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर लेता हूँ तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये दिख जाएगा, आई होप, हाँ अभी पूरा क्लियर है, ओके तो इधर से ही गाना स्टार्ट हो रहा है जहाँ मैं ये दे रहा हूँ, गापा, गापा से ही गाना स्टार्ट होता है, गापा सा, तो मुखड़ा तो बाद में आएगा, उधर से ही गाना स्टार्ट हो रहा है, तो ये गया आपका पूरा प्रील्यूड का सेक्शन जो हम लोगों ने अभी बजाया, तो आई होप मैंने सब कुछ ठीक ठाक लिखे, बजाते बजाते हम लोग फिर भी चेक कर लेंगे, कोई अगर छूट जाएगा, पर आई होप सब कुछ ठीक ठाक है तो आप भी पूरा कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नोटेशन वाइज देखते कि कैसे हो रहा है, ओके तो चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक स्केल मैंने ले लिए तो प्रील्यूड को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो अपर सा से स्टार्ट हो रहा है, अपर सा, तो हम लोग अपर सा से स्टार्ट करेंगे, सा धा पा धा पा गा रे गा, धा पा धा पा गा पा रे धा सा, सा सा रे सगा, इधर मैं बोल दूं इधर सासा मैंने एक साथ पढ़ा, क्यों पढ़े, क्योंकि एक कोलोन दिया गया है, तो एक कोलोन का मतलब होता है हाफ बीट, और इसका मतलब होता है हाफ बीट ये सालेगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ बीट पहले बिठा हुआ है, तो ये दोनों का मिला का आपका एक बीट हो गया, तो कैसे हो गया आपका सिचुएशन, अगर मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट आउट करूं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट बीट, ये हो जाएगा सेकेंड बीट, ये हो जाएगा थर्ड बीट, और ये हो जाएगा फोर्थ बीट, ओके, जैसे इसमें भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, ओके, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ओके, तो क्या हो गया चीजें, देखिए सेकेंड बीट जो है इस सब में सेकेंड बीट कैसा है, एकदम मतलब अलग अलग है, अगर आप किधर देखेंगे, अगर आप इधर भी देखेंगे पा वन, मतलब इसमें देखिए 1 फिर 2 फिर 3 4 अलग अलग है, राइट, पर इसमें क्या है, एक कोलोन देकर इसमें आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए, क्या क्रिएट कर दिए कि कोलोन लेगा हाफ बीट और सा लेगा हाफ बीट, तो इसमें आपको बजाना कैसे, जब भी ये किसी नोटेशन के पहले कोलोन दिखे, जब भी किसी नोटेशन के पहले आपको कोलोन दिखे तो वो जो सामने वाला नोटेशन होगा उसको आपको अगले वाले नोटेशन के साथ ज्वाइन कर देना है, राइट, कैसे, तो कोलोन दिखा कैसे, सा के पीछे देखा, तो सा को आपको कैसे करना है, सा को सा के साथ ज्वाइन कर देना है, राइट, समझ में आ गया, तो इधर भी देखिए, इधर भी क्या था, रे धासा धासा एक साथ हो गया क्योंकि इसके पीछे कोलोन था, तो कोलोन का मतलब होता है हाफ बीट, और ये जो बीट रहेगा, जो भी नोटेशन रहेगा, वो अगले वाले नोटेशन के साथ जॉइंट नोटेशन के जैसा हो जाएगा, मान लीजिए जॉइंट नोटेशन के जैसा हो जाएगा, जॉइंट नोटेशन नहीं है, बस आपको मानना है, वो आपको वैसे तरीके से बजाना है, ओके, तो रे धासा, इसमें क्या है सासा, इसमें ऐसे नहीं पढ़े हमने सा सा रे सगा, ऐसे नहीं पढ़े हमने, क्या पढ़े सा रे, तो सासा को एक साथ बोल रहे हैं सा रे सगा, ऐसे ही बोला जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है, आप सीख लीजिए, ओके, तो सा रे सगा रेगा, ये देखिए रेगा एक साथ बोलेंगे, रेगा पा, तो रे रे गा एक साथ बोलेंगे क्योंकि कोलोन है, तो रे के साथ गा ज्वाइंट हो जाएगा, तो रेगा पा रेगा पा रेगा पा गा सा रे, ये सब डॉट है, डॉट का मतलब होता है 1/4, मैं बहुत टाइम आपको बोल चुका हूँ, डॉट का मतलब होता है आपका 1/4 नोटेशन गैप, ओके 1/4 नोटेशन गैप, और कोलोन का मतलब होता है हाफ नोटेशन गैप, और ये सब डैश का मतलब होता है 1 फुल नोटेशन गैप, ओके आ गया समझ में, तो इधर से हम लोग चलते रेगा पा गा सा रे, पापा धारे सरेगा साधा सा, अभी सेम बजेगा पर अपर में बजेगा, तो अपर जैसे ही हम लोग बोलेंगे सा सा रे सदा रेगा पागा सरे पापा धारे
सरेगा साधा सा खत्म। अभी इससे इससे गाना स्टार्ट होता है गा पा सा नी सा नी धा पा धा, इधर से गाना स्टार्ट हो जा रहा है। ओके समझ में आ गया पूरा प्रील्यूड सेक्शन क्या बज रहा है। अभी हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के बस देख लेते हैं। इसमें ऐसा सच कुछ ट्रिक्स नहीं है, फिर भी अगर आपको ट्रिक्स डालना है, अगर आपको डालना है तो आप दो सेक्शन में डालेंगे, एक तो ए सेक्शन में रे में डालेंगे और एक डालेंगे आप इस वाले जो सा है इस सा में आप डाल सकते हैं, इस सा में आप डाल सकते हैं। ठीक है ये सांप जैसा मैं कर रहा हूँ जो वो ट्रिक्स है, ठीक है सांप जैसा कर रहा हूँ तो ट्रिक्स है। तो इसके माथे पर आप लिख सकते हैं TNP2। मैंने बहुत टाइम आपको सिखाया टचिंग नोटेशन पार्ट टू ही इसमें बज रहा है, तो रे का मतलब होता है रेमा रे। अगर आपने फिर भी टचिंग नोटेशन पार्ट टू अभी तक नहीं सीखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो की लिंक है उसमें आप सीख सकते हैं टचिंग नोटेशन पार्ट टू, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके तो रे में टचिंग नोटेशन पार्ट टू बजेगा मतलब रेमा रे बजेगा, और इधर जो सा है इसमें भी टचिंग नोटेशन पार्ट टू बजेगा, और इसमें क्या बजेगा मुझे बोलिए, सा के जगह पर बजेगा आपका सा गा सा, सा गा सा ये बजेगा। ओके याद रहेगा कि ये दोनों जगह पर आप बस टचिंग नोटेशन पार्ट टू मार सकते हैं, बाकी कुछ इधर भी करने की जरूरत नहीं है। और ये सब में जहां भी आपको गैप दिखे ये सब गैप है राइट, इसमें आप वाइब्रेशन कर सकते हैं, इसमें आप वाइब्रेशन करेंगे भी। ओके क्योंकि बहुत सारा गैप है इसमें वाइब्रेशन करेंगे। ओके इसमें भी वाइब्रेशन मतलब जहां जहां गैप दिख रहा है उधर आप वाइब्रेशन करेंगे हर एक लाइन के बाद। तो सा अच्छा इधर भी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सा इधर तो वाइब्रेशन कर दिए पर धा पा धा इधर के बाद एक गैप है। अच्छे से देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा आपको बताया था कि दो नोटेशन गैप या फिर दो से ज्यादा टू और मोर नोटेशन गैप अगर रहेगा उधर आपको वाइब्रेशन करना है, मैंने आपको बताया था। तो आप बोलेंगे कि सर इधर तो टू से ज्यादा है, टू या फिर टू से ज्यादा, तो टू से ज्यादा इधर तो करेंगे हमको समझ में आ रहा है। तो क्या सर हम इधर तो एक है क्या हम इधर करेंगे नहीं करेंगे, क्या हम इधर नहीं करेंगे, सर आपने तो किए थे। हाँ मैंने किए थे पर मैंने बोले थे जो कंसेप्ट वही कंसेप्ट आ रहा है कि टू और मोर नोटेशन को लेकर ही चलना है। अभी आप बोलेंगे सर इधर तो एक नोटेशन गैप है तो कैसे टू ले, इधर लेजेंगे कैसे लेंगे हम लोग, इधर लेंगे जब तब हमको इससे नोटेशन इससे हमको वाइब्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, इससे इससे मतलब पिछले वाले से हम लोग वाइब्रेशन करेंगे, इधर वाइब्रेशन को करेंगे बस दो हो गया, इधर फिर नॉर्मल बजा देंगे फिर पागा नॉर्मल जाएगा, फिर अगर हमको इधर डालना है तो इधर एक नोटेशन गैप है तो एक नोटेशन गैप के लिए आपका वाइब्रेशन नहीं मतलब जमता, फिर हम लोग क्या करेंगे इस पा में वाइब्रेशन शुरू कर देंगे, पा में वाइब्रेशन शुरू कर देंगे और इधर तक करेंगे। आ रहा है समझ में, दो आपको चाहिए, दो या फिर दो से ज्यादा आपको चाहिए फिर आपका वाइब्रेशन वो अच्छा लगता है। आ गया समझ में, तो दो के लिए तो एक था उसको हम लोगों ने दो बना दिए, इधर भी एक था उधर हम लोग दो बना दिए, फिर गाड़ी आपका नॉर्मल बजेगा, फिर गा से तो इसके बाद तो बहुत सारा गैप है इधर तो वाइब्रेशन हो गए। आ गया समझ में, यही कंसेप्ट आप आगे भी लेके चलिएगा और आपको सारे कुछ करना है, ठीक है राइट। तो अभी चलिए हम लोग एक एक लाइन को बजा के दिखा देते हैं कि कैसे हो रहा है। तो पहले लाइन को हम लोग बजाएंगे सा अपर सा, ये जो अपर सा है मैंने आपको बहुत टाइम बोला ये अपर सा की तीन कैटेगोरी होता है राइट, तीन कैटेगोरी हम लोग डिस्कशन करे हैं बहुत टाइम। एक तो होता है एट ब्लो होता है, आठ नंबर में ब्लो करके आप बजा सकते, एक नौ नंबर में ब्लो करके आप बजा सकते, और एक आठ नंबर के नीचे ही आता है जो हम लोग आठ नंबर ड्रॉ करते प्रेस एंड ड्रॉ करते, ठीक है प्रेस एंड ड्रॉ मतलब जो नी प्रेस करके ड्रॉ बजाते वही करते। तो पर्टिकुलरली इस सेक्शन में अगर आप पूछेंगे कि कैसे बजाना है तो मैंने आपको बोले थे कि पीछे से अगर आगे की तरफ जाना है तो आप बजाएंगे आठ नंबर होल में, और अगर आगे से पीछे की तरफ आना है तो आप बजाएंगे नौ नंबर होल में। तो इधर देखिए इधर सा को सा ही पहला नोटेशन है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कहां बजाएंगे। तो सा के बाद मुझे दिख रहा है धा, तो एक्चुअली सा हो गया फिर धा पा सब इधर है, सब इधर है आपका पीछे है, तो ऑब्वियसली हम लोग आठ से ही स्टार्ट कर देंगे, आठ से ही स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सा के पीछे है ना, सा के अगर आगे रहेगा तो हम लोग नाइन को लेते, तो सा के पीछे है तो हम लोग आठ को ही लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर गा मा सा रहा तो सा को हम लोग आठ में लेंगे राइट, अगर इधर रहा आपका गा रे सा तो हम लोग सा को नाइन में लेंगे। आ गया समझ में, अगर पीछे से आगे की तरफ जाएगा गा मा सा तो हम लोग आठ नंबर को लेंगे राइट, अगर पीछे आगे से पीछे की तरफ आएगा गा रे सा तो हम लोग नौ नंबर को लेंगे राइट। पर इधर क्या सिचुएशन है, इधर सा से ही स्टार्ट है, अगर सा से ही स्टार्ट है तो उधर आपको देखना पड़ेगा आगे वाले नोटेशन क्या है, आगे वाले नोटेशन अगर पीछे रहेगा, पीछे है ना सा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मतलब हमको आठ नंबर से ही लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, हम नौ नंबर से क्यों लेफ्ट साइड जाए, हम लोग आठ नंबर से लेफ्ट साइड चले जाएंगे।
ओके अगर सा के बाद इधर अपर गा अपर डे ऐसे कुछ रहता तो हम लोग जाते नौ नंबर में। ये सब कंसेप्ट है, इधर जरूरत भी नहीं है, मैं बोल के छोड़ सकता था, पर ये कंसेप्ट मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके कोई सा भी गाने में ये सब कंसेप्ट को आप यूज कीजिए तो ही तो आपका गाना चलेगा। ऐसे कोई ऐसे थोड़ी ना है कि आपने एक गाना सीख लिया बस आपका खत्म हो गया, ऐसे तो नहीं है। आपको जब सीखना है तब पूरा कंसेप्ट लेकर सीखना है ताकि उस कंसेप्ट के साथ आप कोई सा भी गाने को बजा सके, मेरे जो हेल्प है उसको लेकर बिना आप बजा सके, मैं हेल्प करूं या ना करूं आप खुद से बजा सके। तो ये सब कंसेप्ट मैं इसलिए ही सिखा रहा हूं, चाहे भले इसमें जरूरत नहीं है, इतना बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीखिए। जैसे मैंने बोला ढंग से सीखिए, अच्छे से सीखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, ये सारे कंसेप्ट का ही खेल है। जैसे मैंने हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब पढ़ाई करो रट्टा मत मारो, उसको समझ के पढ़ो, वैसे ये भी चीज है, ये भी तो आपका एक म्यूजिक का एक हम लोग बोलते सब्जेक्ट होता है, म्यूजिक सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें भी तो आप सब्जेक्ट वाइज ही लीजिए, इसको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप आगे जाके कोई सा भी सॉन्ग बजा पाएंगे। तो समझ में आ गया, इसको सा को हम लोग तीनों में यही चूज क्यों कर रहे, क्योंकि हम लोगों को ऊपर में ही हम लोगों को वाइब्रेशन करना है। अभी आप बोलेंगे सर एट ड्रॉप रेज भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, और हम लोग क्यों नहीं करें, अगर आपको थ्रोट एट ड्रॉप रेस करेंगे तो इधर हमको वाइब्रेटो करना ही है, तो अगर आपको थ्रोट वाइब्रेटो आता है, अगर आपको थ्रोट वाइब्रेटो आता है तो आप इसमें प्रेस करके थ्रोट वाइब्रेटो करके आगे चल सकते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सा को नीचे लेंगे तो धा भी नीचे ही है, ये है, दैट इज फाइन। पर मैंने देखे कि अगर जनरली भी लिया जाए एट ब्लो करके तो वो भी अच्छा ही लग रहा है, तो हम लोग एट ब्लो करके ही बजा दिए। तो आपको समझ में आ गया कि नाइन ब्लो को बस नहीं लेना है, एट प्रेस एट ड्रॉ प्रेस ये आप ले सकते हैं एट प्रेस करके ड्रॉ, पर उसके लिए आपको थ्रोट वाइब्रेटो आना चाहिए। और एट ब्लो हम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मल वाइब्रेटो कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल वाइब्रेटो जो हाथ से किया जाता है उसको हम लोग दिखा रहा है। आ गया समझ में, तो इधर से हम लोग वाइब्रेटो करके ही स्टार्ट कर रहे सा से, अपर सा से। पहला लाइन मैं बजाऊंगा सा धा पा धा पा गा पा गा रे गा, इतना दूर तक। ओके देखिए, आ गया समझ में, फिर धा पा गा पा रे धसा रे को खींचे और धासा को एक साथ ले लीजिए, रे को खींचना है क्योंकि कोलोन है और इस कोलोन के वजह से धासा एक साथ जुड़ जाएगा, तो रे धसा रे को खींचे धासा जुड़ गया रे धसा। ओके, तो इधर से हम लोग बजाएंगे धा पा धा, आ गया समझ में, फिर आगे चलेंगे सा सा रे सगा, ये सा सा एक साथ जुट जाएगा, सा सा रे सगा सा, ये जो ऊपर बैठा हुआ है इसका मतलब होता है, मैंने हमेशा आपको बताया कि कोई सा भी माथे के माथे में अगर कोई नोटेशन रहेगा तो उसका मतलब होता है टचिंग नोटेशन, उसका मतलब होता है टचिंग नोटेशन, टच नोट। ओके, टचिंग नोटेशन, तो सा सा डे सा गा मतलब सा को बजाते बजाते गा में चलाना है, मतलब सा को टच देकर गा में आना है। ओके, सा को फुल नहीं बजाना है, सा को बस टच देकर आपको गा में आना है, तो सा सा डे सा गा। मैं इसके बाद हैंड मूवमेंट भी दिखा देता हूं कि ये सब टचिंग नोटेशन कैसे बज रहा है, फिर भी आप इधर अभी के लिए समझ जाइए कि सा सा रे सा गा, सा की टच देना है। क्या हुआ, रे गा पा गा सा रे, ओके पूरा लाइन, तो सा सा रे सा गा रे गा पा गा सा रे, टचिंग नोशन पार्ट टू मैंने मार दिया, रे गा पा गा सा रे रे मारे रे गा पा गा सा रे मारे। अभी लोअर ऑक्टेव में जाएगा पापा धा रे सा रे गा सा धा सा, हो जाता है इतना दूर तक, राइट। आ गया समझ में, अभी सेम सिचुएशन रिपीट होगा, इधर से सा सा रे सा गा ही बजेगा, पर अभी क्या होगा आपका हायर ऑक्टेव में बजेगा, सेम चीज आपका बजेगा सा सा रे सा गा, हायर ऑक्टेव में पूरा बजाना है। ओके, आ गया समझ में, सेम सिचुएशन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टचिंग को थोड़ा सा देख लेंगे कि टचिंग क्या हो रहा है, और हम लोग चर्चा कर लेंगे कि
ये जो रिम आ रहे ये हम लोगों ने बताया, ये तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने बोले वो टचिंग नोटेशन की बात, तो सा रे सगा, तो सा को लेकर टच, ये होता है टच, सगा सगा। हमने सा गा अलग अलग नहीं बजाया, सा रे सा गा ऐसे नहीं बजाया, ऐसे नहीं बजाया, वो गलत हो जाता है। हम लोग क्या किए, सा रे सगा, आपको बस क्या करना है, सा में फू देकर मुंह को राइट की तरफ शिफ्ट कर देना है, सा में रुकेंगे नहीं, जो फू आप सा में दे रहे। एक चीज आप नोटिस कीजिए, टचिंग नोटेशन बजाने की जो पहला कंडीशन होता है वो होता है कि जो आप फू दे रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, अगर लो नोटेशन रहेगा तो फू देंगे और अगर ड्रॉ नोटेशन रहेगा तो आप फू खींचेंगे, पर आपको एक ही बार देना है। क्या मतलब इसका, आप ऐसे मत कर दीजिए कि सा में भी फू दे रहे हैं गा में भी फू दे रहे हैं, नो, आप फू देंगे टचिंग में, मतलब सा में ही फू देंगे और उसी फू के दौरान आपको गा में शिफ्ट कर जाना है। आ गया समझ में, आप ऐसे नहीं कि सा में भी फू दे रहे हैं गा में भी फू दे रहे हैं, नो नॉट लाइक दैट, आप सा में फू दे रहे हैं, जो टचिंग था आपका उसमें ही आप फू दे रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो सा में आप ब्लो किए और उसी फू के दौरान आपने गा में शिफ्ट कर गए, यही इसका मतलब होता है। अगर माधा बजाना होता है तो मा में ड्रॉ किए और उसी ड्रॉ के दौरान हम लोग धा में पहुंच गए। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं टचिंग नोटेशन। तो सा रे सगा हो गया, फिर अभी रे गा पा गा सा रे, रे के लिए रे मारे, तो इसमें होता है रे मारे। टचिंग नोटेशन पार्ट टू की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए उसके साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन हो गया आपका पूरा प्रीलूड की सिचुएशन जो हम लोगों ने बताया। इसके बाद हम लोग चलेंगे मुखरे के तरफ, मुखरे को पहले लिख लेंगे और उसके बाद मैं आपको बजा के फिर समझा दूंगा कि उसमें क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। तो चलिए मुखरे को पहले हम लोग लिख लेते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग मुखरे को लिखते हैं, तो इसको मिटा देते, आई होप आपने सभी कुछ लिख लिए है। इसके बाद फिर से मुखरे को लिखेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग देखेंगे मुखरा कैसे बजाया जाता है, राइट। तो इसको मिटा देते हैं जल्दी जल्दी, क्लियर। ओके, चलिए अभी हम लोग मुखरा स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आराम से देखते हैं कि मुखरा क्या है। तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं और इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से हम लोग वो डैश डैश देकर गापा लिख रहे हैं कि जो भी था पीछे वो तो था ही, और गापा से आपका गाना स्टार्ट होता है, इधर से आपका गाना स्टार्ट होता है। ओके, इधर से गापा से आपका गाना स्टार्ट हो जाता है। आ गया समझ में, तो गापा और इधर से आपका गाना स्टार्ट होगा, हम लोग डॉलर साइन मतलब इधर से आपका कॉर्ड्स पढ़ रहे हैं, गा पा सा आगे भी, तो गा पा सा, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। और जैसे हम लोगों ने बताया था ये चार चार बीट करके चल रहा है, तो आपको चार चार बीट को मेंटेन करके ही लिखना पड़ेगा। ओके, गाना जो है वो चार चार बीट करके ही चल रहा है। ओके, तो जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है, फिर ट्रिक्स के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ट्रिक्स इसमें क्या है, इधर आपका क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स भी आता है और इधर आपका एक बेंडिंग का सिचुएशन भी आता है, जो हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक बेंडिंग की वीडियो में डिस्कस किए थे। फिर भी आज हम लोग उस सिचुएशन को वापस से आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वो सिचुएशन कैसे क्रिएट हो रहा है और कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, उसको बजाया कैसे जाता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, तो इधर आपने लिख लिए पाधा पागा डेसा, ये हो गया पाधा पागा डेसा। ओके, अच्छा, इसके नीचे आप लिखेंगे, ये धा के नीचे लिखेंगे, एक नीधा करके लिख देंगे, नीधा मतलब सेकेंड टाइम जब गाना रिपीट होता है तब धा ना बच के आपका नीधा बचता है। ओके, तो पहले में तो आपका नीसा नीधा पा धा बचता है, सेकेंड में आपका धा पा नीधा बचता है। तो अच्छा, इसमें जॉइंट नोटेशन होगा, तो ही ये 1 2 3 4 चार बीट होगा। ओके, हो गया, अच्छा ठीक ठाक लिखे। इसके बाद हम लोग चलेंगे पा पा धा पागा रेसा, इसमें लिखेंगे रे, इसमें लिखेंगे रे और तीन बीट छोड़ेंगे। इसमें भी आप नीचे लिखेंगे एक छोटा सा करके गाड़े, मतलब सेकंड में जब होता है, हम दो करके लिख दे रहे हैं, सेकंड में जब होता है तब रे ना बचते हुए आपका क्या बचता है, गाड़े बचता है, ये आपको याद रखना है। गाना बिल्कुल सिंपल है जैसे हम लोगों ने पहले भी बताया, पर इसमें क्या होता है प्रीलूड इंटरल्यूड ये सब चीज में आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलूड इंटरल्यूड प्रीलूड तो ठीक है, इंटरल्यूड में आपको थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है, ऐसे नहीं कि बहुत हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, और शायद ही आपने कभी भी बजाया होगा, तो उसको आज हम लोग देख लेंगे कि उसको बजाया कैसे जाता है। ठीक है, तो गापा गाड़े सा धा,
ये लोअर ऑक्टेव की धा है, जैसे मैंने बताया डायगोनल लाइन है और नीचे है, तो लोअर ऑक्टेव की धा हो गया, ओके डे सा। इसके बाद डैश डैश फिर आपका लिखा गया, फिर आपको लिखना है इधर से डैश डैश देकर गापा गापा, और ये आपको कंप्लीट कर देना है, ये दो मतलब दो टाइम बचेगा, ओके दो टाइम बचेगा, हम पढ़ के भी आपको सुना देते फिर हम लोग तो सीखेंगे कि कैसे बजाना है। पहले आप लिख लीजिए, एकदम आराम से लिखना है, मैं बोलते हुए भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अगर कोई से भी नोटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो वेट कीजिए, मैं रिपीट तो करूँगा ही, आपको फिर से समझ में आ जाएगा, ओके। तो नीसा नी धापा ऐसा अपर ऑक्टेव की सा है, ये भी अपर ऑक्टेव की सा है, आई होप आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया कि क्या हो रहा है चीज़ें, राइट। हो गया, ये हो गया आपका मुखड़ा, मुखड़ा आपका इतना दूरी है। अभी हम लोग देख लेते हैं पढ़ के कि मुखड़ा कैसे हो रहा है, वॉइस नोटेशन पहले देख लेते हैं उसके बाद हम लोग बजाएंगे, ओके। वॉइस नोटेशन आराम से सुनिए, गापा से गाना स्टार्ट होता है, इधर से गाना स्टार्ट होता है गापा, राइट। हम लोगों ने बात की प्रीलूड इधर तक खत्म हुआ, गापा से गाना स्टार्ट, तो उधर से हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, तो आगे भी देखिए सिलेबल में भी हम लोग तोड़ के सीख सकते हैं, आगे भी तो तीन सिलेबल हो गया, आगे भी तो गापा सा, ऐसे ही गाना लिखा जाता है, ऐसे ही नोटेशन क्रिएट करा जाता है, ओके। फिर हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड तो जाते ही है माउतर गन के ऊपर, पर पहले आप लोगों को सिलेबल में तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आगे भी गापा सा जाने ना तू, तो निशा नी धापा धा जाने ना तू, जाने ना तू, तो निशा नी धापा धा, आ गया समझ में, आगे भी जाने ना तू, तो निशा नी धापा धा गापा धा पाधा पागड़े सड़े साड़े गा पा दा पा गाड़े सा धड़े सा। अब इसके बाद गापा लिखा गया है, ये गापा लिखा गया है और ये ब्रैकेट दिया गया है, ठीक है, एक गापा लिखा गया और ब्रैकेट दिया। मैंने आपको बताया जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखे, मतलब ये दो बार बजाना है, तो आपको फिर से घूम जाना है जहां पर ब्रैकेट शुरुआत था, तो गापा एक क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो आपको जो ओपनिंग ब्रैकेट था उधर चला जाना है, राइट। तो गापा ये ब्रैकेट दिखा इधर चला जाएगा, तो गापा हम इसको पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, गापा फिर इधर चला जाएगा, ओके। तो गापा सा बोल के फिर से बजेगा, तो गापा सा निशा नी धापा धा निशा, अभी बजेगा क्या निशा नी धापा नी धा, अभी सेकंड में नी धा बजेगा, ओके सेकंड में आपको नी धा बजाना है, इसके बाद अब इसमें डैश डैश कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट बीट एंड सेकंड बीट, ओके। तो हो गया, तो गापा सा निशा नी धापा नी धा गापा धा पाधा पागड़े सगाड़े, अभी आएगा गाड़े, रे नहीं आएगा गाड़े, तो पाधा पागड़े सगाड़े साड़े गापा गाड़े साधड़े सा। अभी सेकेंड टाइम जब आएगा गापा, तो एक बार तो घूम गया, सेकेंड टाइम जब आया तब इससे ब्रैकेट से निकल जाएगा, आ गया समझ में, फर्स्ट टाइम घूम गया, सेकेंड टाइम जब आएगा गापा फिर ब्रैकेट से निकल जाएगा, तो गापा सा ब्रैकेट से निकल गया, गापा सा निशा नी धापा धनी धा, समझ में आ गया। इसके दौरान मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, तो पहले उसको सुन लीजिए फिर हम लोग प्लेइंग देखिए। ये जो मैं बताने वाला हूँ ये मैं हारमोनिका की एक क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है उसमें मैं फिर से बताऊंगा, फिर भी आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि सर पहले का दो लाइन आपने बोले और उसके बाद आपने नहीं बोले, तो उस कारण से मैंने आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए जब हम लोग गाना कोई सा भी गाना हम लोग उठाते हैं या फिर नोटेशन को लिखते तो क्या करते हैं, गाने को सुनते, एक एक लाइन को सुनते, पहले दो तीन बार सुन लेते, उसके बाद एक एक लाइन को सुन के हम लोग गाने को उठाते, ये होता है बेसिक फॉर्मूला, राइट। अभी किसी किसी को क्वेश्चन होता है कि जब हम लोग प्ले कर रहे क्या तब हम लोगों को गाना जो है वो माइंड में होना चाहिए, क्या वो मतलब लिरिक्स होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने हमेशा बताया कि कोई सा भी गाना हो आप देख के बजाइए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, जब आपके पास एक दो दस गाना होगा दैट इज पॉसिबल, जब आपके पास 50 गाना 100 गाना हो जाएगा तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं होगा कि 100 गाने को आप बिना देखे बजा पाए, ये पॉसिबल नहीं होगा, आप रट्टा भी मान लीजिएगा तो भी भूल जाएंगे, राइट। ये ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन नेचर है। तो इसी तरीके से सेम एज यूजुअल
अगर आप किसी भी गाने की लिरिक्स को याद करके उसको बजाने की कोशिश करें बजाने के टाइम, तो वो होगा नहीं, होगा नहीं। आप बोलेंगे सर हम लोग वैसे ही करते, आप डटे रहेंगे, नहीं वो नहीं होगा, वो एक गाने के लिए होगा, दो गाने के लिए होगा, दस गाने के लिए होगा, पर 50, 100, 1000 गाने के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक लिरिक्स को आप याद रखें, हर एक लिरिक्स को याद नहीं किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर आप लोग कैसे बजा लेते हैं, आप लोग इतने सारे गाने को कैसे देख के भी लिरिक्स को बिना याद करके भी कैसे बजा लेते हैं। देखिए उसका फॉर्मूला यही है कि गाने की लिरिक्स नहीं, मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि गाने की रिदिम को पकड़िए। अभी रिदिम क्या है, आप हमिंग करके गाने को पकड़िए। हमिंग क्या है, आप बोलेंगे कि सर हमिंग क्या है, रिदिम क्या है, ये सब क्या है। देखिए गाना कैसे चल रहा है, मैं 2-3 लाइन ही जानता हूँ इस गाने की, बाकी मुझे भी याद नहीं है, तो उस कारण से मैंने 2 लाइन ही बस पढ़ के आपको सुनाया कि कैसे नोटेशन क्रिएट होता है। तो मैं 2 लाइन ही पढ़ता हूँ, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, फिर है जो भी कुछ है वो याद नहीं है, पर मुझे ये याद है। देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो होता है रिदिम, या फिर आप हमिंग के जैसे बोल रहे हैं। तो देखिए हम लोग लाला करके, रे रे करके, कुछ भी करके बोल सकते हैं, तो हम लाला करके बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे आगे भी, ये नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ला 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 ला। तो मुझे देखिए लाला करके पूरा याद है क्योंकि मैंने रिदिम को पूरा फिट कर लिए, पर मैंने लिरिक्स जब बोला, बोलने की कोशिश की है, तो थोड़े दूर बाद ही मैं भूल गया क्योंकि वो लिरिक्स मुझे भी याद नहीं है कि क्या है। तो ये सिचुएशन आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, और ये एक बेहतरीन सिचुएशन है, वन ऑफ द बेस्ट आप मान लीजिए सिचुएशन है, जो आप लाला करके, रे रे करके भी बोल सकते, कुछ भी, लाला हूँ करके क्या होता है आपका सांस अटक जाता है, रे रे करके बोल सकते, ला 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 बेस्ट एग्जाम्पल, ला 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 करके आप हमिंग कर सकते, तो आप कुछ भी कीजिए, आपको बस उसको हमिंग करना है। अगर मुझे अंतरा, आप मुझसे पूछिएगा सर अंतरा की नोटे, आप अंतरा की लिरिक्स क्या है, मुझे याद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, नोटेशन कॉपी में लिखा है, मैं नोटेशन को देखूंगा और मुझे क्या याद आएगा, ला 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 ला। तो मुझे ये याद है, आ गया समझ में, मुझे याद नहीं है अंतरा की क्या लिरिक्स है, कुछ भी याद नहीं, आप मुझसे पूछे नो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ला 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 मुझे याद नहीं आ रहा है क्या लिरिक्स है, और मैं इससे करता भी नहीं हूँ, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक है, मैं आपको बताऊं कि आपको हमिंग या फिर रिदिम को पकड़ के चलना है, ना कि लिरिक्स। ये मैं फिर से हारमोनिका क्वेश्चन ऐसे सेशन में फिर से डिस्कस करूंगा, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आज बस मैं आपको छोटा सा एक डेमो दे दिया कि क्या हो रहा है। ओके सिचुएशन को समझ गए, तो चलिए अभी हम लोग मुखड़े को प्ले कर लेते हैं, और इसमें बेंडिंग वगैरह भी लगता है, क्लोज टू ओपन ट्रिक्स वाला भी लगता है, वो भी देख लेते हैं कि कहाँ लगता है और कैसे लगता है। ओके तो चलिए बोर्ड के ऊपर फिर हम लोग पॉइंट आउट कर दे कि कहाँ पर आप वो ट्रिक्स डाल सकते हैं, राइट। तो जो जो ट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ उसको आपको पहले लिखना है, फिर मैं बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो नी में ट्रिक्स है, फिर आपका है इस धा में ट्रिक्स है, ओके इस धा में भी आप ट्रिक्स डाल सकते हैं, इस धा में भी ट्रिक्स डाला जाता है, ओके इधर आप अच्छा उसको हम बेंडिंग को थोड़ा बाद लिखते, थोड़े बाद लिखते, तो इसको हम रे में ट्रिक्स डाल सकते हैं, रे में, इस रे में भी ट्रिक्स डाल सकते हैं, फिर ये साढ़े गापा नॉर्मल जाएगा, गापा गा रे सा धा डे सा नॉर्मल, ठीक है, नीसा नी धापा, इधर भी आप नीसा नी, इधर आप ट्रिक्स डाल सकते, नीसा नी धापा धनी धा, इधर आप ट्रिक्स डाल सकते, ठीक है, ये होता है ट्रिक्स की सिचुएशन। इसको लेकर ही मैं बजाऊंगा, इसको लेकर ही हम बजाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या सिचुएशन बन रहा है। अभी ट्रिक्स क्या है, इधर हो गया आपका क्लोज टू ओपन, इधर हो गया आपका क्लोज टू ओपन, क्योंकि सा मैं इधर क्लोज में लूंगा, सा मैं इधर क्लोज में लूंगा, तो ये नी हम लोगों का क्लोज टू ओपन बन जाएगा।
क्लोज टू ओपन वाला जो ट्रिक्स है उसकी जो वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स। और इसके आगे मैं बेंडिंग भी आपको सिखाऊंगा, तो बेंडिंग का भी वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो पर्टिकुलरली बेंडिंग को लेकर बनाया गया है, उसको भी आप देखिएगा। बेंडिंग अभी हम नहीं लिखे क्योंकि वो हम लोग इसके बाद करेंगे, पहले हम ट्रिक्स के साथ बजाएंगे। तो नीसा नी धा पा धा, ये हो गया आपका टचिंग नोशन पार्ट टू, टचिंग नोशन पार्ट टू। तो धा के जगह पर आपका क्या बजेगा, आप बोलिए धानी धा। ओके, आ गया समझ में। नीचे धा के जगह पर भी टचिंग नोटेशन पार्ट टू ही बज रहा है सेम सिचुएशन में। फिर पाधा पागा डे सड़े, ये टचिंग नोटेशन पार्ट टू बज रहा है। इस रे में भी टचिंग नोटेशन पार्ट टू बज रहा है, तो रे के जगह पर क्या बजेगा, डे मारे। आ गया समझ में। फिर साड़े गा पा, और ये सब वाइब्रेशन है, हाँ ये सब वाइब्रेशन है, बहुत सारा गैप है तो आपको समझ में आ गया वाइब्रेशन है। फिर गा साड़े साड़े गा पा गड़े सा धड़े सा, इसमें कुछ जरूरत नहीं है, फिर तो गाना घूम जाएगा पूरा हुआ। फिर गा पा सा, फिर नीसा नी, ये भी आपका क्लोज टू ओपन, ये भी आपका क्लोज टू ओपन मैं डालूंगा। नीसा नी धा पा धनी धा, बस खत्म। इसमें आप डाल सकते धनी धा, नहीं छोड़ दीजिए, इसमें नहीं डालिए टचिंग नोशन पार्ट टू, इसमें धा धनी धा कर सकते बस जरूरत नहीं, लास्ट में आप नॉर्मल खत्म कीजिए क्योंकि एंडिंग हो रहा है अच्छा लगेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। ये होता है म्यूजिकल सेंस और कुछ नहीं, इसमें आप कोई इंसान इसमें डाल देंगे, कोई इंसान इसमें नहीं डालेंगे, तो मुझे लग रहा है इसमें डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अगर लास्ट सिचुएशन है, फिनिशिंग है, क्योंकि इसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो उसमें मत डालिए, उसमें आप नॉर्मल छोड़ दीजिए, वो अच्छा लगेगा क्योंकि ये धीमे तले गाना सॉन्ग है, ये थोड़ा सा स्लो सॉन्ग है। आ गया समझ में। अभी चलिए एक एक लाइन को पकड़ के हम लोग बजाएंगे। हम अभी बेंडिंग अभी भी नहीं किए, बेंडिंग का सिचुएशन मैं इसके बाद दिखा रहा हूँ, तो पहले चलिए हम लोग नॉर्मल पहले देख लेते कि क्या हो रहा है सिचुएशन। ओके, मैं बोर्ड में देख के ही बजाऊंगा एंड बोलूंगा भी, आप लोग भी अपने कॉपी को देख कर ही सीखिए। ओके, माउतर गन लेकर रखिए, मैं एक एक लाइन पकड़ के सिखाऊंगा, आप एक एक लाइन को बजा के उठा लीजिएगा। इसी वीडियो में आपको पूरा गाना समझ में भी आ जाएगा और आप उठा भी लेंगे। तो चलिए पहला जो लाइन है, गा पा सा आगे भी, तो गा पा सा वाइब्रेटो करेंगे। इसके बाद नीसा नी धा पा धा, आ गया समझ में। नी और नी प्रेस करके सा बजाया हमने, अगर नॉर्मल कोई बजाएगा तो ये भी बताना जरूरी होता है क्योंकि कोई बिगिनर लोग सीख रहे हैं, बिगिनर भाई बहन मेरा सीख रहा है, तो उसके लिए भी ये जरूरत होता है। तो पहले का सिचुएशन था, तो गा पा सा नीसा नी धा पा धा गा पा धा पा धा पा गा रे सा रे। तो हो गया पहला लाइन क्लियर, गा पा सा नीसा नी धा पा धा गा पा धा पा धा पा गा रे सा रे। फिर से बजाते हैं, इसके आगे चलेंगे, सा रे गा पा गा रे सा धा रे सा। आ गया समझ में इतना दूर तक। अभी सेम सिचुएशन आपका रिपीट होगा और सेकेंड टाइम में क्या बजेगा, नीधा बजेगा, धा के जगह पर नीधा बजेगा, मैंने आपको बता दिए, और रे के जगह पर सेकेंड लाइन में रे के जगह पर गाड़े बजेगा। तो उसी के साथ ही हम लोग बोलेंगे एंड उसी के साथ ही हम लोग सिखाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग ट्रिक्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग बेंडिंग देखेंगे। तो सेकेंड टाइम हम लोग बजा रहे हैं, तो सेकेंड टाइम में वो वेरिएशन आपको करना है, धा के जगह पर नीधा, रे के जगह पर गाड़े। तो देखिए, गा पा सा नी सा नी धा पा नी धा, नी सा नी धा पा नी धा। फिर गा पा धा पा गा रे सा गा रे।
इसके बाद सेम सा रे गा पा गा पा गा रे सा धा रे सा। इसके बाद गा पा ब्रैकेट से निकल जाएगा गा पा सा नी सा नी धा पा धा नी धा। खत्म खत्म। इतना दूर तक ही आपका मुखड़ा था, इतना दूर तक खत्म। इसके बाद मैंने आपको ट्रिक्स दिखाया है, लिखा गया है ट्रिक्स, सेम ट्रिक्स देखिए। नी को प्रेस करके सा, इसका भी वीडियो है। नी में जो क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स, इसका भी वीडियो है। और बेंडिंग, इसका भी वीडियो है। टचिंग मोशन पार्ट टू, इसका भी डेडिकेटेड, हमेशा हर चीज का डेडिकेटेड वीडियो दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे। हम इसमें बस बता के आपको देंगे कि कहां कहां पर क्या क्या यूज हो रहा है। बाकी डेडिकेटेड वीडियो तो उसमें आपको जाकर ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर बताने बैठे तो मतलब पूरा 6 घंटा 7 घंटे की वीडियो बन जाएगा। तो नी सा नी धा पा धा, इसमें ट्रिक्स आपको दिख रहा है। तो नी को प्रेस करेंगे तो सा बच जाएगा, नी प्रेस एंड ड्रॉ करेंगे तो सा बच जाएगा अपर सा, राइट। उसके बाद आपको जाना है नी में, तो आपको क्लोज टू ओपन कर देना। नॉर्मली क्या होता है, नी सा नी, ये होता है नी सा नी। अभी नी प्रेस सा, तो नी सा नी हो गया, नी नी प्रेस और छोड़ दिए तो नी। अभी छोड़ने के टाइम आपको मार के छोड़ना है, बस ये हो गया आपका क्लोज टू ओपन। तो नी सा नी धा पा धाप नहीं बजेंगे, धानी धा टचिंग मोशन पार्ट टू, धानी धा, ये तो हो गया क्लोज टू ओपन। अगे समझ में, तो गा पा सा नी सा नी धा पा धनी धा। ये बिल्कुल सिंपल, बा पाधा पा गा रे सा रे। अभी रे में टचिंग मोशन पार्ट टू, और कुछ नहीं, रे रे मा रे, बस। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट में भी मैंने आपको बताया गा पा सा नी सा नी में आपका वो पड़ेगा, वो आप डालेंगे क्लोज टू ओपन। ओके, सेम ट्रिक्स, गा पा सा नी सा नी में आप डालेंगे। बस गा पा नी सा नी धा पा धनी धा बोल के वाइब्रेटो करके खत्म, सॉरी। खत्म। इसके बाद आपका इंटरल्यूड जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग सीखेंगे, ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो ये होता है इंटरल्यूड। तो आ गया पूरा मुखड़ा समझ में कि कहां पर क्या क्या सिचुएशन बन रहा है, राइट। अभी इसमें एक छोटा मोटा बेंडिंग पड़ता है। मैंने आपको बेंडिंग के क्लास तो कुछ दिन पहले ही हुआ था, मैंने आपको आगे भी जाने ना तू का ही एग्जाम्पल लिए थे और मैंने आपको दिखाया भी थे बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग बहुत जगह पर हो रहा है। मैंने आपको दिखाया था पूरा डेडिकेटेड वीडियो की बेंडिंग कैसे बजाया जाता है। तो कैसे बजाया जाता है ये तो आज हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, पर कहां कहां पर बेंडिंग यूज हो रहा है उसको मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, तो उसमें आप बजा सकते हैं बेंडिंग और वो अच्छा भी लगेगा। पर्टिकुलरली इस सॉन्ग के लिए बेंडिंग बहुत ही अच्छा लगता है। और भी सॉन्ग है जिसमें बेंडिंग अच्छा लगता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ऐसे नहीं समझ लीजिएगा कि हर एक गाने में ही आपको बेंडिंग करना है, कहीं कई बार कोई कोई गाने में ये म्यूजिकल सेंस के द्वारा क्रिएट होता है कि कहां पर बेंडिंग अच्छा लग रहा है और कौन से गाने के लिए वो अच्छा लग रहा है, राइट। तो चलिए मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूं नोटेशन के ऊपर, आप भी लिख लीजिएगा कि बेंडिंग कहां पर बज रहा है। फिर आपको बेंडिंग अगर आता है तो कीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में बेंडिंग आपका है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आप बेंडिंग सीख के उसको आप डालने की कोशिश कीजिए। एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, एक वीक में आपका चला आएगा, आराम से चला आएगा। जैसे मैंने बेंडिंग सिखाया है उसके साथ आपको बहुत फास्ट आ जाएगा। जैसे मैंने भैम के टाइम बोला था कि भैम बहुत ही एक डिफिकल्ट पार्ट होता है, ऑक्टेव एक डिफिकल्ट पार्ट होता है, उसमें टाइम लगता है, पर बेंडिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा, आप एक वीक के अंदर ही वो बजा सकेंगे। ये मतलब मेरा तो इतना तो गारंटी है कि आप बजा सकेंगे, राइट। तो उस वीडियो को आपको पूरा क्लियरली देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पॉइंट आउट करते हैं नोटेशन के ऊपर कि कहां का बेंडिंग बजता है। तो देखिए बेंडिंग
की जो बात है मैंने आपको हमेशा बताया, जहां बहुत सारे गैप दिखे, नोटेशन गैप दिखे, उधर ही आपको बेंडिंग करना है, दैट इज फाइन। पर ऐसे नहीं कि जहां पर नोटेशन गैप दिखे उधर ही आपको डाल देना है, ऐसे नहीं। तो पर्टिकुलरली कोई कोई सेक्शन में बेंडिंग बहुत अच्छा लगता है, उस वाले सेक्शन को ही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं और मैं बता दे रहा हूं कि और कौन सी जगह पर भी आप बेंडिंग कर सकते हैं, पर उसमें उतना खास नहीं लगेगा, राइट। तो पर्टिकुलरली गापा था, उसको जो एकदम परफेक्ट सिचुएशन है, उसको मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ तो आपको ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो देखिए गापा धा, ये जो धा वाला सिचुएशन है उसको हम लोग लिख रहे हैं बेंडिंग, तो इसमें आप बेंडिंग डाल सकते हैं गापा धा। फिर साढ़े गापा, इसमें भी आप बी करके लिखेंगे, बी फॉर बेंडिंग, बी फॉर बेंडिंग मैं इधर साइड में डिनोट कर रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बी फॉर बेंडिंग, ओके। साढ़े गापा, गापा गाड़े सा धड़े सा, इसमें भी आप बेंडिंग डाल सकते। फिर हाँ थोड़ा सा मैं इसमें चेक कर लेता हूँ, इसमें हाँ गापा धा, इसमें भी आप बेंडिंग करेंगे, इसमें भी बेंडिंग करेंगे, हो गया। ये पर्टिकुलरली कुछ जगह है जिसमें आप बेंडिंग कर सकते हैं। इसको छोड़कर आप अगर चाहिएगा तो इस सा में भी बेंडिंग किया जा सकता है, पर इसमें मैं रेड कलर से लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें आपका वाइब्रेटो ही ज्यादा सुइटेबल होता है। फिर भी आप अगर चाहेंगे तो आप इसमें बेंडिंग कर सकते हैं, ओके, इसमें आप बेंडिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो धा वाला सिचुएशन है, ये जो धा वाला सिचुएशन है, अगर आप टचिंग नोटेशन पार्ट टू डाल रहे हैं तो आप नॉर्मल इसको छोड़िए वाइब्रेटो के साथ, अगर आप टचिंग नोटेशन पार्ट टू नहीं डाल रहे हैं तो आप बेंडिंग करके छोड़िए। तो इस दोनों को याद रखिएगा इस सिचुएशन में, पर्टिकुलरली इस सिचुएशन में, क्योंकि टचिंग नोटेशन पार्ट टू बजाने के साथ साथ आप बेंडिंग ये थोड़ा सा आपको मिस हो सकता है इसके साथ, तो ऐसे मत कीजिएगा। अगर एक ट्रिक्स डाल रहे हैं तो दूसरे ट्रिक्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, और दूसरे ट्रिक्स को डाल रहे हैं तो पहले ट्रिक्स को छोड़ना पड़ेगा, मोटा मोटी यही बात है। दोनों ट्रिक्स को एक साथ मत यूज कीजिए, आपका मिस हो सकता है या फिर वो अच्छा भी उतना नहीं लगेगा, ये आप समझ के चलिए। तो जो भी मैं ग्रीन कलर से लिखा हुआ हूं वो तो बेंडिंग बजेगा ही, और इसमें आपका ऑल्टरनेटिव मैंने दे दिए, उसमें आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है। पर जिसमें मैंने लिखे है ग्रीन कलर करके, उसमें मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं कि बेंडिंग आपका हो रहा है। तो नॉर्मल था गापा धा, पर हम लोग बजाएंगे गापा धा। अच्छा, इसको माउतर गान के ऊपर ही देख लेते हैं। मैंने बताया गापा धा वो हम लोग नॉर्मल बजाते थे, अभी हम लोग क्या करेंगे गापा धा में बेंडिंग करेंगे, और लास्ट में पादा पागा डेसा रे में भी सेम चीज मैं बताऊंगा, उसमें टचिंग नोशन पार्ट टू मैंने डाले है। तो अगर बेंडिंग डाल रहे हैं तो टचिंग नोशन पार्ट टू नहीं डालना है, और अगर टचिंग नोशन पार्ट टू डाल रहे हैं तो बेंडिंग नहीं डालना है, ओके। एक ही जगह पर दो ट्रिक्स देने की कोई मतलब नहीं है, ओके। तो देखिए तो धा में हम लोग बेंडिंग करेंगे, ओके। साढ़े गापा गापा गाड़े सा धड़े सा, इसमें आप बेंडिंग कर सकते हैं। तो छोटा मोटा बेंडिंग आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। पहले में भी मैंने आपको बताया कि गापा सा में भी बेंडिंग किया जा सकता है, पर उसमें ऑल्टरनेटिव है। तो चलिए मैं ऑल्टरनेटिव को लेकर ही आपको पूरा एक टाइम सुना देता हूँ कि कैसे बेंडिंग आप इसमें यूज कर सकते हैं, तो आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा इसमें, ठीक है। तो वाइब्रेटो अगर करना है, सॉरी टचिंग नोशन पार्ट टू अगर डालेंगे तो बेंडिंग मत डालिएगा, और अगर बेंडिंग डालेंगे तो टचिंग नोशन पार्ट टू मत डालिएगा, ओके। समझ में आ गया। तो चलिए छोटा मोटा देख लेते हैं कि बेंडिंग जहाँ पर मैंने डाले हैं उसको बजाया कैसे जाते हैं। तो बेंडिंग मैं बजाऊंगा जरूर, पर उसके पहले मैं ये भी बताऊंगा कि बेंडिंग में मैंने उस टाइम भी बताया था कि आगे भी में बेंडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि आगे भी ऐसे नहीं है। अगर आप थोड़ा सा उसमें गले का काम कर देंगे, जैसे मैंने बताया था सोनू निगम साहब बहुत ये करते, जैसे आगे भी, तो भी इसके लिए वो बेंडिंग हो रहा है, जाने ना तू तू, तो उसके लिए हरकत जो सिचुएशन हम लोग गले के साथ क्रिएट करते हैं, जो सिंगर वगैरह होता है, मैं तो उतना अच्छा सिंगर नहीं हूँ, जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसकी जो हरकत है उस हरकत को हम लोग माउतरगन के ऊपर लेने की कोशिश करें। फिर पीछे भी, तो गा पा धा, इसमें धा और पा में ना बहुत अच्छा बेंडिंग होता है, धा पा सा रे, इसमें बहुत अच्छा सा मतलब मिडिल ऑक्टेव की जो है
साड़े, इसमें बहुत अच्छा बेंडिंग होता है। अपर सा में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बेंडिंग करने में, क्योंकि वो एकदम अपर में होता है, तो उसमें बेंडिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे नहीं कि आएगा ही, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। पर गापा धा साड़े गापा ये सब मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अगर आपने वो वीडियो देखे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ओके, तो ये हो गया बेंडिंग की सिचुएशन। तो चलिए अभी हम लोग बजा लेते। ओके, मैंने एक टाइम ही बजाया तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ का बेंडिंग इसमें पड़ेगा। आई होप आप लोगों ने समझ लिए। तो ढंग से बेंडिंग को पहले सीखना है, उसके बाद इसको बजाना है तो अच्छा लगता है बेंडिंग। पर अल्टरनेट जो सिचुएशन है उसमें उतना खास नहीं लगता, पर जिसमें मैंने ग्रीन कलर से लिखा हूँ उसमें बहुत ही अच्छा लगता है बेंडिंग। ओके, आ गया समझ में? तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरल्यूड। हो गया आपका मुखड़ा, आई होप आपने लिख लिया सब कुछ। इसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोगों की इंटरल्यूड की तरफ। ओके, तो इसको मिटा देते हैं आराम से। ओके, क्लियर। अभी हम लोग चलते हैं इंटरल्यूड की तरफ। तो मेरा ब्लैक कलर। ओके, तो चलिए अभी हम लोग लिखेंगे इसमें इंटरल्यूड। तो ये हो रहा है हम लोगों की इंटरल्यूड वन, ये ध्यान रखिएगा, ये हो रहा है इंटरल्यूड वन। क्यों वन? क्योंकि इसके बाद हम लोग इंटरल्यूड टू भी करेंगे, जो अंतरा के बाद आएगा उसको हम लोग इंटरल्यूड टू कहते हैं, तो उसको भी करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते तो आप लोग को, हाँ, तो हम लेफ्ट साइड से लिख सकते इधर से। ओके, तो चलिए इधर से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो डैश डैश आप कर सकते हैं, इसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। ओके, मतलब दो बीट छोड़ के इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये भी हम लोग चार बीट करके लिख रहे हैं, बस दो बीट छोड़ के आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है हायर बीट से, हायर मतलब हायर ऑक्टेव से, सागा डे, इधर से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ फिर से आपको ऐसे ही लिखना है, और उसके बाद हम लोग आगे तो डिस्कशन करेंगे। लिखने के टाइम मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि लिखने के टाइम मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सा सिचुएशन क्या है। सा धा पा, अपर ऑक्टेव सा फिर धा पा, ये सब अपर ऑक्टेव में, क्योंकि हायर में आपका ये है। तो हम लोगों ने सीखे थे अगर ये होगा तो ये हो गया अपर ऑक्टेव। ओके, तो इसको आपको याद रखना है, हायर में डायगोनल लाइन होगा तो अपर ऑक्टेव उसको कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे इधर, फिर धापा धापा मागा, धा डॉट पा, और उसके बाद मा गा, और उसके बाद पा। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो हम लोग आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अच्छा, इसके नीचे आप ऐसे एरो कर दीजिए, इधर ही कर दीजिए। इस एरो का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि माँ ऐसे रहेगा, तो हम लोगों को क्या करना है, गा प्रेस ब्लो करना है। ये बहुत टाइम मैंने बताया और आज नहीं बताते कि क्यों कर रहे, क्योंकि ऊपर ऊपर चला रहा है और कुछ नहीं, सारे नोटेशन ऊपर ऊपर चल रहा है। पा माँ गा पा, अगर माँ को हम लोग मतलब पा इधर है और माँ इधर है और गा इधर है, तो माँ को अगर हम उठा लेंगे तो इधर एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो जा रहा है। ये मैंने बहुत टाइम बताया था। आप थियोरी ऑफ अल्टरनेटिव नोट्स, थियोरी ऑफ अल्टरनेटिव नोट्स को अगर आप देख लेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया था। और इसको छोड़कर भी हर एक वीडियो में भी मैं बताता हूँ। ओके, तो इसको छोड़ते आई होप ठीक है समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इसमें चलते और नोटेशन को लिखते हैं कि क्या हो रहा है नोटेशन। अच्छा, ये हो गया लोअर ऑक्टेव पा, ये नॉर्मल मिडिल ऑक्टेव पा, और ये हो गया आपका लोअर ऑक्टेव पा, क्योंकि इसमें नीचे में है। ओके, नीचे में है, फिर पा डॉट धा, फिर सा रे और गा, वन टू थ्री, फिर पा गा सा, हो गया। इसके बाद इसमें आएंगे हम लोग मा, वन टू थ्री, फिर धा मा सा। अच्छा, जो भी ट्रिक्स है वो हम आगे बताते हुए जाएंगे। धा मा सा धा, वन टू थ्री, फिर नी सा रे, ये हायर ऑक्टेव की है। ओके, नी मिडिल ऑक्टेव, फिर सा हो जा रहा है आपका हायर ऑक्टेव, नी सा रे सा, इसमें आप करेंगे, फिर डैश डैश, और इसके बाद इसमें आप लिखेंगे गाड़े, हायर ऑक्टेव की गाड़े, गाड़े, फिर इधर आएंगे गाड़े के बाद इधर आएंगे गाड़े। ये सेक्शन में आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा ये वाला सेक्शन में, पर हम लोग एक छोटा सा ट्रिक्स देख लेंगे तो उसमें भी आपको आसान हो जाएगा। पर ये वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान से बजाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक साथ सिचुएशन है और बहुत सारे नोटेशन इसमें बजाना पड़ेगा।
और एक साथ बजेगा विदाउट एनी गैप बजेगा ओके गाड़े सादा पादा पागा डेगा सा एक साथ बजेगा पूरा ओके और इसके बाद आपका इधर से आपका क्या हो रहा है अंतरा स्टार्ट हो जा रहा है याद रखना है ओके इसके बाद आपका अंतरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये हो गया मोटा मोटी आपका इंटरल्यूड। आई होप मैंने सब कुछ ठीक से लिखे, फिर मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, पढ़ के आपको सुना देता हूँ और बजा के भी सुना देता हूँ ओके। इंटरल्यूड जो है वो हायर ऑक्टेव से शुरुआत होता है, उधर से हम लोग पढ़ेंगे तो अपर ऑक्टेव से, तो सा गा रे हायर ऑक्टेव से सो सा गा रे सा धा पा धापा धापा मा गा पा अभी लोअर ऑक्टेव पा पा धा सा रे गा पा गा सा मा धा मा सा धा नी सा रे सा गा रे सा धापा धापा गा रे गा सा गा 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 रे रे सा सा पा अंतरा स्टार्ट हो गया। तो ये वाला सेक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये एक साथ बसता है ओके गा रे सा धा पा धा पा गा रे का सा, उसके बाद आपका अंतरा स्टार्ट होता है। तो इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से बजाना ओके। तो ये हो गया आपका पूरा इंटरल्यूड की सेक्शन, पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते उसके बाद हम लोग तो थोड़ा बहुत आपका जो ट्रिक्स है उसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो सा गा रे ऐसे कुछ नहीं है, बस आपको हायर ऑक्टेव में बजाना है ओके। तो देखिए हायर ऑक्टेव में चलेगा तो सा गा रे, इसमें वाइब्रेटो करेंगे, इसमें वाइब्रेटो करेंगे तो समझ में आ ही रहा है क्योंकि बहुत सारा गैप है। ये सब वाइब्रेट होगा, ये सब वाइब्रेट होगा ओके, सब वाइब्रेट होगा, बाकी भी होगा आपको समझ में आ रहा है जहाँ भी मैंने बोल दिए बहुत सारे नोटेशन गया था उसमें करेंगे ओके। तो सा गा रे वाइब्रेट हो तो इतना दूर तक मैंने बजाया, तो क्या बजाया सा गा रे सा धा पा धा पा धा पा मा गा पा, फिर से बजाते हैं देखिए। राइट इसके बाद इसमें आएगा, इसमें फिर से देखिए कोलोन है तो ये पा हो रहा है, ये जॉइंट हो जा रहा है तो पा पा धा सा रे गा, तो पा पा धा सा रे गा लोअर ऑक्टेव में पा पा धा सा रे गा पा गा सा मा, तो इधर से बजाते पा पा धा सा पा पा धा सा रे गा ओके लोअर ऑक्टेव एंड मिडिल ऑक्टेव पा पा धा सा रे गा इतना दूर तक मैंने बजा दिया पा पा धा सा रे गा पा गा सा मा धा मा सा धा नी सा रे सा, फिर से देखिए पा पा धा सा रे से देखिए राइट इतना तो होगा, एक साथ बजाना पड़ेगा गा डे सा धा पा धा पा गा डे गा सा, तो इसको एक साथ बजाते समझ में आ गया, इसको एक साथ गा डे सा धा पा धा पा गा डे गा सा, तो इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग मी सा डे सा गा डे सा धा पा धा पा गा डे गा सा इसके बाद अंतरा स्टार्ट हो जा रहा है। तो आ गया समझ में कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह हम लोगों को देखने को मिलेगा, और एक बहुत खास ट्रिक मैं आपको बोलूंगा जो टचिंग नोटेशन में, दो टचिंग नोटेशन इसमें यूज होता है, तो उसको पहले देखते हैं कि कहां पर यूज होता है। देखिए पा 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 सा रे गा पा गा सा, इसके बाद आप डालेंगे, अच्छा एक एक करके ही लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो इसमें डालिए, इसमें डालिए टचिंग नोटेशन पार्ट टू पा गा सा, इसमें टचिंग नोटेशन पार्ट टू डालेंगे, इसमें आप डालेंगे साढ़े का टचिंग नोटेशन। आप बोलेंगे कि सर दोनों का भी टचिंग नोटेशन होता है, हाँ होता है, इसमें सिचुएशन खूब कुछ ऐसे बना कि दोनों का टचिंग नोटेशन इसमें होगा, मैं इधर लिख दूं आपको दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो चलिए देखिए पा गा सा तो सा इधर होता है, रे इधर होता है, गा इधर होता है कुछ इस तरह से, और पा इधर होता है राइट। तो पा गा सा और मा इधर होता है, तो पा गा सा, तो पा गा सा हो गया। अभी इसमें इसके बाद जाना है मामी, तो सा से मामी जाना है, तो आप क्या करेंगे पा गा सा
फिर साढ़े माँ करेंगे, पा गा सा, फिर साढ़े माँ करेंगे, तो ऐसे तरीके से गुजरेंगे आप। तो ये टचिंग नोटेशन बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आपको सुना भी देता हूँ कि कैसे ये बज रहा है, पा गा सा साढ़े माँ, बहुत ही अच्छा लगता है। पा गा सा साढ़े माँ, अगर नॉर्मल होता तो क्या होता, देखिए मैं माउथर गन में भी दिखा देता हूँ, मैंने हैंड मूवमेंट होता तो क्या होता, पा गा सा मा, और हम लोगों ने क्या किया, पा गपगा, वो तो टचिंग नोटेशन पार्ट टू हो गया, पा गपगा सा सरे मा। आ गया समझ में, तो पा गपगा सा सरे मा। इसके आगे चलते और देखते कि कहाँ का ट्रिक्स है, चलिए बोर्ड के ऊपर जो नेक्स्ट ट्रिक्स आप देंगे वो देंगे इसमें मीसा डेसा में, मीसा डेसा ये क्लोज में देंगे और ये आप बजाएंगे ओपन टू क्लोज वाला सिचुएशन, जो ओपन टू क्लोज वाला ट्रिक्स है उसको आप लोग बजा देंगे। ओके, उसके बाद गाढ़े सादा इसमें आप डालेंगे, इसमें ये जो सा है पर्टिकुलरली इस सा को मैंने एरो किए है, मतलब नी प्रेस करके सा, इस एरो का मतलब होता है नी प्रेस करके सा, तो नी प्रेस करके सा बजाएंगे तो ही ये सेक्शन बहुत जल्दी आ पाएगा, नहीं तो आपका अटक जाएगा, इस वाले सेक्शन में आपका अटक जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से बजाना है। ओके, आ गया समझ में, इसमें और कुछ ट्रिक्स नहीं है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ सा गा डे, हाँ इसमें और कुछ ट्रिक्स नहीं है, फिर भी आप इसमें ट्रिक्स डाल सकते, अगर डाल सकते तो टचिंग नोशन पार्ट टू इसमें डाल सकते, रे में डाल सकते, रे में टचिंग नोशन पार्ट टू डाल सकते, साधा पा को नॉर्मल छोड़ेंगे, धा पा धा पा मा धा पा, पा पा धा सा रे गा पा गा सा सा रे मा, अच्छा धा मा सा मा में ऑब्वियसली डालेंगे मा धा मा, टचिंग नोशन पार्ट टू, टचिंग नोशन पार्ट टू डाल रहे हैं, ठीक है, धा मधा मा सा धा मधा मा सा धा, तो पा गा से देखिए इसको तो हम लोग कर ही लिए, पा गा पा गा सा सा रे मा, तो धा मधा मा सा, और इसमें भी मैं कर रहा हूं जो धा सा से आया फिर रे मा का टच दे रहा हूं, रे मा का टच दे रहा हूं, धा मा सा रे मा धा मा सा, यही कंसेप्ट आ रहा है कि इधर सा था और धा कहां पर है, बहुत दूर है, पा था, तो हम लोग सा से धा, इधर सा से धा, इतना जंपिंग हम लोग नहीं करेंगे, इतना जंपिंग हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सीधे सा से उतरेंगे रे मा धा, इधर चला जाए और कुछ नहीं, तो रे मा धा। ओके, आ गया समझ में, धा मा धा मा सा रे मा धा, इसको मैं दिखा देता हूँ ओपन टू क्लोज कैसे बज रहा है, बाकी तो आपको समझ में आ गया। फिर गाढ़े सादा ये हो गया, क्या बोलते हैं नी प्रेस ड्रॉ, ओके गाढ़े सादा, राइट आ गया समझ में, तो इसको क्लोज टू ओपन टू क्लोज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आपको ओपन टू क्लोज में बताया था कि नी सा डे सा, अच्छा वो सा में भी आपका क्लोज होगा, ठीक है हम बताते हैं, मतलब नी सा डे सा ना दोनों सा ही वो नी प्रेस करके बजाना पड़ेगा, उसका भी एरो होगा, वो फास्ट का भी एरो होगा, नी सा डे सा मतलब दोनों सा ही आपका नी प्रेस करके ही बजाया जाएगा, मैं एरो दे रहा हूँ, वो मिस कर गया मैंने, तो आपको जब क्लोज करना है तो क्लोज के टाइम क्या हो रहा है, ओपन टू क्लोज में आना है, तो आप नॉर्मल मत आइएगा, आप फिर से मार के आइएगा, जैसे आपने मार के निकल रहे थे क्लोज टू ओपन में, ओपन टू क्लोज में उल्टा करेंगे, तो मार के आप घुसेंगे, तो नॉर्मल क्या कर रहे थे, नी प्रेस ओके, नी प्रेस यही तो कर रहे नी सा रे सा के लिए। अभी लास्ट वाले सा में मैंने ट्रिक्स दिए है, तो लास्ट वाले सा को आपको और ट्रिक्स डाल के घुसना है, तो क्या किया मैंने, क्या किया धीमे धीमे, तो इसको ही थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन बन जा रहा है, और गाने में आ गया समझ में, तो चलिए पूरे इंटरल्यूड को एक टाइम मैं आपको बजा के सुना देता हूँ, आई होप इंटरल्यूड पूरा क्लियर हो गया, और वो नी सा मैं इसके बाद लिख देता हूँ कि सा के नीचे भी एरो होगा, और उसके बाद हम लोग अंतरा तो स्टार्ट करेंगे, तो चलिए अभी हम लोग इंटरल्यूड को पूरा एक टाइम बजा के आपको सुना देते हैं।
तो ये सब आपका अंतरा में मैंने घुस गया। तो ये आपका इंटरल्यूड पूरा सेक्शन। तो चलिए सा में मैंने थोड़ा सा एरो डालना भूल गया था, वो एरो मैं डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग अंतरा में चलेंगे। ओके तो चलिए, जो एरो होगा वो इस सिचुएशन में होगा, निशा रेसा जैसे मैंने बताया इस सिचुएशन में एरो होगा। ओके क्लियर हो गया। एक जगह पर और एरो आप ऐड कर लीजिए, जो मैं गाने के टाइम बजा के फील किया कि ये सागा जो है ना, सागा डे सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगा, इसमें प्रॉब्लम आएगा। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर लेंगे तो आप ऊपर ऊपर बजा सकते हैं, दैट इज फाइन। अगर आप इस सा को नीचे ले लेंगे, इस सा को नीचे ले लेंगे, इस सा को भी नीचे ले लेंगे, और इस सा को भी अगर आप नीचे ले लेंगे, नी प्रेस ड्रॉ, इसका मतलब होता है ये जो हम लोग सा को हम लोग लिख रहे हैं बार बार, तो ये होता है नी प्रेस ड्रॉ, राइट। नी प्रेस ड्रॉ मतलब आपका 8 नंबर प्रेस करके आपको ड्रॉ करना है, सिंपली ये करना है। ओके तो इस सिचुएशन में, ये तीनों सिचुएशन में, ये मैंने एरो कर दिए, ये मैंने एरो कर दिए, और ये वाला एरो कर दिए, ये तीनों सिचुएशन में अगर आप नी प्रेस ड्रॉ कर दे तो मैंने बजाने के टाइम फील किया कि ये ज़्यादा बेहतर आ रहा है, आपको सुविधा ज़्यादा मिल रहा है। आप नॉर्मल प्ले कर सकते, अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आप प्रेस करके कीजिए, तो आपका वो जो तकलीफ है वो हट जाएगा। आ गया पूरा समझ में? तो ये हो गया पूरा आपका इंटरल्यूड खत्म। अभी हम लोग चलते अंतरा की तरफ। आई होप आप लोगों ने लिख लिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसके बाद हम लोग चल रहे हैं अंतरा के तरफ। जो हम लोग की अंतरा है उसको सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे इसके बाद जो आता है इंटरल्यूड टू। तो इंटरल्यूड टू बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग अंतरा को सीख लेते हैं। अंतरा भी बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया इंटरल्यूड में ही छोटा मोटा आपका वो दिक्कतें देगा, पर मुखड़ा अंतरा इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो गाना बिल्कुल सिंपल ही गाना है, आप मान सकते हैं। हाँ इंटरल्यूड प्रील्यूड मतलब म्यूजिक पार्ट आप बजा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको तो तकलीफ आपको फेस करना ही पड़ेगा। ओके तो अभी हम लोग अंतरा को लिख रहे हैं, तो उसको आप लिखते हुए चलिए जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो अंतरा शुरू होता है आपका गागा से, और ये मैंने बता दिया सा की टच हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग चार चार बीट करके ही लिखेंगे। तो गा 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 रे रे सा सा पा ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका कोलन हो गया, ओके, और ये पा लोअर ऑक्टेव पा हो गया। आ गया समझ में? फिर हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे गा 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 सेम एज इट इज रे रे सा सा पा, रे रे सा और कोलन देंगे, फिर सा लिखेंगे, फिर पा के नीचे ये हम लोग लोअर ऑक्टेव काट देंगे। हो गया इतना दूर तक समझ में आ गया? फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, फिर आपका आएगा गा गा गा, और ये सा की टचिंग है, माथे पर कुछ लिखा गया होगा तो वो टचिंग नोटेशन कहलाएगा। ओके अच्छा ये सब जॉइंट नोटेशन है, स्माइली कर रहे तो जॉइंट नोटेशन, ये तो इतने दिनों तक आपको पता चल ही गया है, हर एक गाने में ही होता है कुछ ना कुछ जॉइंट नोटेशन तो होता ही है, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैंने बता दिया कि इसमें भी जॉइंट नोटेशन है। ओके तो ये हो गया सिचुएशन। फिर होगा धासा धासा, ये सब अपर धासा है मतलब अपर सा है, धा मिडिल ऑक्टेव है, सा आपका अपर ऑक्टेव है। ओके धासा धासा धासा, फिर पा 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 और पा 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 पा, ये हो गया आपका सिचुएशन। इससे ब्रैकेट शुरुआत हुआ था और इससे जाकर ब्रैकेट खत्म होगा, तो ये सिचुएशन आपका 2 टाइम बजेगा पूरे जो गाना है, मतलब पूरे जो ये पहले से लेकर अंत तक ये 2 बार बजेगा। और सेकेंड टाइम में आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते, इसमें एक ट्रिक्स की ही वेरिएशन है, आप कर सकते, मैं आपको डाल देता हूँ, अगर आप कर पाएंगे तो करिए, और क्या। तो इसमें आप ऐसे कुछ सिचुएशन में आप इसमें कर सकते हैं, गा 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 मा, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ आप इसमें भी एरो करेंगे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, तो इस सिचुएशन में आप इसको डाल सकते हैं, अगर आपको करना है तो करिए, कौन आपको रोक रहा है, राइट। तो ये सेकेंड टाइम में ये ट्रिक्स आप डाल सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिए, ट्रिक्स के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हो गया उतना दूर तक, इसके बाद आप इधर आएंगे, और इधर जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको लिख रहा है सा सा, यहाँ पर मैं सा है, ओके सा 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 रे सा रे सा। अच्छा ये जो सा दिख रहा है ये सा आपको एरो करके ही मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये नी प्रेस करके ही आपको सा बजाना पड़ेगा, नहीं तो वो टच नहीं पड़ेगा, नहीं तो ये सा धा नहीं बजेगा। अगर आप नॉर्मल सा इसको ले लेंगे तो ये सा नहीं बजेगा, मतलब अपर नॉर्मल सा 8 नंबर ब्लो या फिर 9 नंबर ब्लो करके लेने की कोशिश करें तो ये नहीं बजेगा, ये नी प्रेस ड्रॉ ही आपको सुइटेबल होगा, तो ही आप धा में आ पाएंगे ठीक से, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। ओके तो ये हो गया, इसके बाद आपको इधर आना है, फिर
और ये होता है आपका लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में भी फिर से आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ फेस करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही, बट थोड़ा सा आपको हो सकता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बजाना है, ठीक से सीखना है और ध्यान से बजाना भी है। ओके, गाड़े रीडे, और उसके बाद गासा, उसके बाद रे धा और सा, बस खत्म स्टोरी। और डॉलर साइन, डॉलर साइन ये हो गया डॉलर साइन। ओके, ये हो गया डॉलर साइन। तो आपको समझ में आ गया कि आपका गासा रेधा सा हो गया, फिर ये गापा तो वो आगे भी, गापा डॉलर साइन मतलब आपका मुखड़े में चला जाएगा। तो गापा सा डॉलर साइन मतलब फिर मुखड़े में जहाँ कॉर्ड्स पड़ रहा था उधर चला जाएगा। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट होता है, डॉलर मतलब आपका मुखड़े में जहाँ पड़ रहा था उधर चला जाएगा। तो ये वही सेक्शन है, देखिए गापा दिया गया है, तो गापा के बाद आपको मुखड़े में सा बजाना है। तो गापा सा अपर सा, तो आगे भी, तो ये गापा हो गया वो कनेक्टिंग पॉइंट। आ गया समझ में? तो ये हो गया पूरा आपका इंटरल्यूड, सॉरी ये हो गया पूरा आपका अंतरा। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते कि अंतरा कैसे बचता है, उसके बाद हम लोग प्लेइंग देखते हैं। देखिए मुझे फिर से वही, मतलब अंतरा की लिरिक्स तो याद नहीं है, पर हम लोगों ने क्या सीखे, हम लोगों को लाला करके बोलना है और लाला ही मुझे याद है। ला 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 गा पा सा, यही मुझे याद है। तो वही, उसी को ही मैं इसमें पढ़ूंगा, लिरिक्स को हटा के नोटेशन के साथ पढ़ेंगे। देखिए तो सा की टच देकर गा, वो तो हम लोग टचिंग के वाइज हम लोग बजाएंगे, बजाने के टाइम, पढ़ने के टाइम हम लोग टचिंग नोटेशन को छोड़ के ही पढ़ते हैं, तो उससे ही हम लोग पढ़ेंगे गा से। तो गा 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 रे रे सा सा पा, गा 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 रे रे सा सा पा, गा 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 मा मधा मधा। इसको मैंने बोल दिए कि ये माधा हो और ये माधा जल्दी, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, और ये कोलोन देकर माधा, तो ये कोलोन फिर माधा जॉइंट हो जा रहा है, और ये टचिंग नोटेशन जैसा, टचिंग नोटेशन जैसा जॉइंट। तो गामा माधा मधा, तो ये बहुत जल्दी है, ये थोड़ा सा ही जल्दी है। गामा माधा मधा, धासा 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 पा पा पा, इसके बाद ब्रैकेट दिखा तो पहले में चला जाएगा फिर। ओके, फिर से बजेगा गा 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 रे रे सा सा पा, गा 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 रे रे सा सा पा, गा 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 मा गा मा। इसमें जो ट्रिक्स मैंने डाले, नोटेशन सेम है, नोटेशन आपका गा मा मधा मधा, नोटेशन सेम है, बस इसमें एडो कर दिए, तो इसमें ट्रिक्स थोड़ा सा अलग हो गया। पढ़ने के टाइम तो एक ही आपको पढ़ना पड़ेगा, गा 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 मा मधा मधा, धासा 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 पा पा पा, अभी ब्रैकेट से निकलेगा सा 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 रे सा सदा पाधा। इतना तक हो गया, इसमें हमने पढ़ दिए सदा पाधा सदा पाधा, तो सा की टच देना पड़ेगा। ओके, ये मैंडेटरी है। ओके, ये मैंडेटरी है, इसलिए मैंने पढ़ा, बाकी सब ऑल्टरनेट है, मतलब आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, पर ये मैंडेटरी है सा की टच, तो ही वो लिरिक्स आएगा। तो क्या हो गया, सा 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 रे सा सदा पाधा, सा पा धा गा पा रे गा रे रे गा सा रे धा सा गा पा सा, बोल के फिर से आपका मुखड़ा घूम जा रहा है। आ गया समझ में पूरा सेक्शन? तो ये हो गया आपका अंतरा। तो चलिए एक एक लाइन को बजा लेते हैं, और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल है। ट्रिक्स वगैरह इसमें उतना आपको डालना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही ट्रिक्स अगर आप डालना चाहते तो इस रे में डाल दीजिएगा, इस रे में आपका टचिंग नोटेशन पार्ट टू पड़ेगा। ओके, और इस रे में भी सेम एज इट इज टचिंग नोटेशन पार्ट टू, क्योंकि नोटेशन सेम ही है, गा 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 रे, इसमें मैंने डाल दिए कि क्या ट्रिक्स पड़ेगा, ये सा भी मैंने डाल दिया, और ये पा में अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते, ये पा में भी अच्छा लगता है टचिंग नोटेशन पार्ट टू, और कुछ नहीं है इसमें, और आपको कुछ इसमें देने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब ठीक ही है, और इसमें लास्ट रे में आप दे दीजिए, बस खत्म, यही होता है इसमें ट्रिक्स। और ये मैंने डाल दिए, ये ऑलरेडी डाल दिए कि इसमें आप प्रेस करके अगर आप बजा सकते तो बजाइए, और इसमें आप प्रेस करके ही लेना पड़ेगा, ये जो सा है ये आपको नी प्रेस करके ही लेना पड़ेगा, नी प्रेस ड्रॉ, नी प्रेस प्लस ड्रॉ, मतलब नी प्रेस करके आपको ड्रॉ करके ही वो सा लेकर फिर आपको धा में आना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आ गया समझ में? तो पहले से देखिए बिल्कुल आसान है, गा 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 रे रे सा सा पा, इसमें भी सेम बात मैं बोलूंगा, रे रे सा को खींचेंगे और ये सा के साथ पा को ज्वाइन कर देंगे, तो रे रे सा सा पा, रे रे सा सा पा, तो गा 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 रे रे सा सा पा। ओके,
फिर से बजाते गा 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 रे रे सा सा पा, ट्रिक्स देके बजाते गा 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 रे रे सा सा पा, गा 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 मा मा धा मा धा धा सा धा सा धा सा पा पा पा। अच्छा इसमें एक चीज और है, आप पूछ सकते कि सर ये जो धासा 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 है आपने इसमें एरो क्यों नहीं दिए। देखिए इसमें अगर आप थियोरिटिकली जाएंगे तो इसमें एरो देना चाहिए था क्योंकि ये नीचे 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 नोटेशन चला आता, पर इसमें इसमें इस कारण से नहीं दिया गया है क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली धासा 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 कर रहे हैं ना तो नीचे नीचे आप कर नहीं पाएंगे, आपका टूट जाएगा। देखिए मैं आपको हैंड मूवमेंट दिखाता हूँ, हैंड मूवमेंट दिखाता हूँ कि कंटिन्यूसली अगर आप धासा धासा करेंगे, मैं तो कर दे रहा हूं पर आप नहीं कर पाएंगे, आप धा नी प्रेस धा नी प्रेस धा नी प्रेस कर नहीं पाएंगे, आप देख लीजिए आप कर नहीं पाएंगे। इससे बेहतर है, इससे बेहतर है इतना तकलीफ क्यों करे, जब वो सिचुएशन बन रहा है तो आपको ऊपर लेना ले लेना है, आठ नंबर होल में ही लेंगे ओके, क्योंकि उसके बाद पा भी है, ये भी सिचुएशन है, वो भी थ्योरी के अकॉर्डिंग जा रहा है क्योंकि उसके बाद पा है, तो अगर ऊपर वाला सा लेंगे तो हम लोग पा में और ट्रिक्स डाल पा रहे हैं ओके। इसमें क्या है लोगों को धासा 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 में अगर ऊपर भी लिया जाए तो भी तकलीफ आता है, इसमें मैं एक और भी ट्रिक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं धासा 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 में ना इसको थोड़ा सा इसको मतलब लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा इसको हिला रहा हूं, थोड़ा सा इसमें खींच रहा हूं, तो धासा 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 आ गया समझ में, धा इधर था तो धासा फिर इधर गया, तो जब पीछे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट हैंड के साथ पीछे आ रहे हैं और जब सामने जा रहे हैं फिर हम राइट हैंड से खींच रहे हैं, तो धासा 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 आ गया समझ में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये कर रहे हैं, ये आपको दिखने में ऐसे लग नहीं लग रहा है पर ये हम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और भी क्लोजली तो आपको समझ में आएगा। बार बार ये हाथ उठ रहा है मेरा, हल्का सा उठ रहा है, बहुत तो नहीं उठाएंगे तो नहीं बजेगा। आ गया समझ में, तो गा 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 मैं थोड़ा सा इसमें व्यायाम कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस व्यायाम है, एडवांस व्यायाम हम लोगों ने अब तक नहीं सीखे, तो जब सीखेंगे तब हम लोग आपको बोलेंगे कि एडवांस व्यायाम भी इसमें डाला जाता है जो मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल क्या होता पर मैं कर रहा हूं तो ये पीछे से जो आ रहा है, नोटेशन भी बज रहा है पीछे से भैम भी आ रहा है, तो इसमें देखिए गामा मधा मधा ओके आ गया समझ में। और जो सेकेंड वाला ट्रिक से वो मैंने क्या किया बस क्लोज कर दिया, ये ट्रिक्स आप डाल सकते हैं, क्लोज करके ट्रिक्स आएगा, गा को प्रेस करके ब्लो कर देंगे तो मा बच जाएगा, उसी दौरान आपको ट्रिक्स डालना पड़ेगा, तो गा 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 गमा गमा धा मदा ओके ये ट्रिक्स। लास्ट में आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारा पा है, तीन पा है, पहले पा में आप टचिंग नोशन पार्ट टू डाले, सेकंड पा को छोड़ दिए, थर्ड पा में आप थोड़ा सा मार के उसमें खत्म कर सकते हैं क्योंकि वो गाने वो लाइन की एंड हो रहा है। एक क्या कर रहे हैं हम हाफ प्रेस कर रहे हैं, पा में बैठे बैठे ट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते मैं बोलता हूँ इसको बैठे बैठे ट्रिक्स, इसको डिनोट भी किया जाता है, मैं डिनोट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको डिनोट किया जाता है, तो धासा 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 पा 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 को खत्म हुआ हाफ प्रेस, बस हाफ प्रेस और कुछ नहीं, बस खत्म। इसके बाद ऊपर जाएंगे सा सा साढ़े सा, अभी देखिए एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया इसमें हम लोग एरो क्यों नहीं डाले राइट, और इसमें मैं आपको बोले कि इसमें बैठे बैठे आप ट्रिक्स डाल सकते हैं, तो इसमें ट्रिक्स जैसा साइन करेंगे और इसको ऊपर से ऐसे एरो देंगे, ऊपर से एरो देने का मतलब होता है आपको बैठे बैठे उसमें ट्रिक्स डालना है, तो बैठे बैठे ट्रिक्स डालने की मतलब मैंने आपको बता दिए ठीक है, तो इसको ऊपर से एरो हम लोग करते हैं। अभी ये जो सा है
आप बोलेंगे कि सर ये रे है तो इस हा को आप नीचे नीचे ले लीजिए, हाँ ये आप बोल सकते कि इस हा को आप नीचे नीचे ले लीजिए, तो ये भी सिचुएशन बनता है। या फिर इस वाले सिचुएशन के लिए आप नौ नंबर होल को भी कंसिडर करते हैं, नौ नंबर होल को अगर लेंगे तो आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा क्योंकि नौ नंबर होल में ही रे आता है। आ गया समझ में? चाहे आप नीचे नीचे सा को लीजिए तो नीचे 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 पूरा आ जाएगा, रे भी नीचे है तो पूरा नीचे 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 आ जाएगा। दैट इज फाइन, दैट इज अ टेक्निक। ऑल्सो आप यूज कर सकते क्या ये वाला, आप 9999 ले सकते, उसके बाद वाइब्रेटो करने में आपको सुविधा मिलेगी, तो वाइब्रेटो करने में आपको सुविधा मिलेगी इसलिए मैं 9 को ले रहा हूं। तो 9 को अगर लेंगे तो आप नॉर्मल वाइब्रेटो कर लेंगे, और अगर आप क्लोज में ले रहे तो आप इसमें क्या करेंगे, थ्रोट वाइब्रेटो करेंगे। तो इसको वाइब्रेटो के ऊपर लिखते आपको समझ में आएगा कि 9999 लेंगे तो हम लोग वाइब्रेटो करेंगे, अगर हम लोग क्लोज 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 लेंगे तो हम लोग थ्रोट वाइब्रेटो करेंगे। आ गया समझ में? तो ये होता है कंसेप्ट और कुछ नहीं। देखिए पूरा कंसेप्ट का ही तो खेल है, मैं कुछ अलग से कुछ लिख रहा हूँ नहीं, जो मैंने पहले भी बताया था इसमें भी सेम बता रहा हूँ कि 999 नंबर में क्यों लिया हम लोग 999 में, क्योंकि ये रे है, तो रे कहाँ पर बनता है, 9 नंबर में, और सा में मुझे चॉइस है कि 8 नंबर में बजाओ भाई साहब या फिर 9 नंबर में बजाओ, तो मैं 9 नंबर में ले लिया। तो 9 नंबर में लेने के दौरान मैं ये तो सा तो 9 नंबर में ही बजेगा, फिर मुझे वाइब्रेटो दिख रहा है तो मैंने वाइब्रेटो काट दिया, हो गया ये कंसेप्ट। अगर मैंने नीचे ले लिए नी प्रेस ड्रॉ करके ले लिए तो रे भी नीचे आ गया, दैट इज फाइन, और उसमें क्या होगा, ये जो लास्ट वाला सा होगा वो नी प्रेस रहेगा, तो ऑलरेडी प्रेस है, प्रेस के बाद मैं वाइब्रेटो नहीं कर पाऊंगा, तो उस दौरान मुझे थ्रोट वाइब्रेटो करना पड़ेगा, तो नी प्रेस सा में मैंने मुझे थ्रोट वाइब्रेटो डालना है। हालांकि अभी तक थ्रोट वाइब्रेटो की वीडियो मैंने डाला नहीं, मतलब मेरे यूट्यूब के चैनल में अभी तक नहीं डाले हैं इस YouTube के चैनल में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको पॉइंट आउट करके रखिए थ्रोट वाइब्रेटो, आगे जाके तो सीखना ही है, आगे जाके मैं सिखाऊंगा एक एक करके वीडियो तो दूंगा ही, तो थ्रोट वाइब्रेटो जब आप सीख जाएंगे तो इसमें डाल दीजिएगा। बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ओपन है इसलिए हम लोग वाइब्रेटो कर रहे हैं, अगर क्लोज हम लोग लेते तो हम लोग थ्रोट वाइब्रेटो करते और कुछ नहीं, ठीक है। तो थ्रोट वाइब्रेटो ही इसमें ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि थ्रोट वाइब्रेटो करके फिर सादा करना है तो ये फिर से प्रेस में आता है, तो इसमें क्लोज वाला सिचुएशन ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं बताऊं तो क्लोज वाला सिचुएशन ही ज्यादा इफेक्टिव है। आ गया समझ में? तो और कुछ नहीं, ओके। तो सा 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 रे सा सदा पा धा, इसको देखिए कैसे बजाते हैं, देखिए ये नौ नंबर वाल में ये आपको धा नॉर्मल ही लेना पड़ेगा अगर आपने नौ नंबर होल में सा बजा रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो नी प्रेस धा आपका बजेगा तभी वो सा की टच पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मल आप कर सकते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ये आप कर सकते हैं, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। सा 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 रे सा धा पा धा, इधर धा पा धा बोल रहे हैं, धा पा धा सा पा धा गा पा रे गा रे रे गा सा रे धा सा, ये नॉर्मल आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रेस करके ले लिए तो करके जब आप बजा रहे हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। अच्छा इसमें और एक चीज हो जा रहा है, नी प्रेस सा भी कर सकते हैं और लास्ट में ओपन टू क्लोज भी आप कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम, देखिए नॉर्मल क्या था, ये मैंने आपको बोले, अभी थोड़ा सा फर्क देखिए, नी प्रेस सा और लास्ट में ओपन टू क्लोज, ये बजाते बजाते आ जाता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रिक्स ऐसे नहीं बनता है कि उधर ही ट्रिक्स डालना है उधर ही ट्रिक्स डालना है, ऐसे नहीं होता है, वो बजाते 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 चला आता है। ये तो मैं आपको लिख लिख के दे रहा हूँ, किसी भी नोटेशन में ऐसे लिखा नहीं जाता है कि उसमें टचिंग नोटेशन पार्ट टू पड़ेगा, उसमें ऐसे ट्रिक्स पड़ेगा, किसी भी नोटेशन आप किसी का भी नोटेशन ले लीजिए उसमें ऐसे लिखा नहीं जाता। ये बस मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि ताकि कहाँ पर क्या डालना है, बस अब सीखिए और कुछ नहीं, ताकि आगे जाके आपको खुद से भी तो बजाना है, खुद से क्रिएट करना है, खुद से सिखाना भी है आगे जाके, तो इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, राइट। तो मैंने क्या बताया, सा को नी प्रेस करके, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो बस सुन लीजिए। तो नॉर्मल आप बजा सकते थे नी प्रेस करके, ये आप कर सकते, या फिर ये बहुत अच्छा लगता है।
आ गया समझ में। तो यही होता है चीज, नी की टच मैं दे देता हूँ तो वो आपको बहुत सुनने में और भी अच्छा लगेगा कि नी की टच कैसे पड़ रहा है। और ओपन टू क्लोज वाला टच लास्ट में मैंने दिए सा में, वो भी मैं आपको डाल दे रहा हूँ कि सा में कहाँ पर पड़ रहा है। और सादा की ट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, तो ये तो है ही ठीक है। तो चलिए उसको मैं लिख देता हूँ, तो अंतरा यही तक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे हम लोगों की इंटरल्यूड टू के तरफ। इसमें बहुत कुछ हो गया, फिर भी मैं इसमें लिख देता हूँ, ये जो सा है मैं रेड कलर लिया हूँ, इसमें नी की टच होगा, ठीक है। इसमें नी की टच आप दे सकते हैं आराम से। और ये लास्ट वाला जो सा है इसमें आप ओपन टू क्लोज वाला ट्रिक्स मार सकते हैं, इसमें ओपन टू क्लोज लास्ट सा में। ओके आ गया समझ में, लास्ट सा में आपको डालना है ओपन टू क्लोज। और पहले सा में आप नी प्रेस करके सा डालेंगे, और ये तो आपके मैंडेटरी मैंने बताई थी जो आप नी प्रेस ड्रॉ करके ले सकेंगे। तो ये हो गया पूरा अंतरा की सिचुएशन। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि अंतरा कैसे कैसे बज रहा है, राइट। तो इसको मैं मिटाता हूँ अभी, ओके। इसके बाद हम लोग चालू करते हैं हम लोग की लास्ट सेक्शन इंटरल्यूड टू। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, फिर भी हम लोग इंटरल्यूड टू को लेकर ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सा भी वीडियो और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप भी अभी समझ गए कि जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे कुछ तो कवर अप हो ही गया। आप क्या सीखेंगे दूसरे के वीडियो के साथ? नोटेशन मैंने दे दिए, मैंने टाइम बार करके दे दिए, मैंने आपको ट्रिक्स बता दिए, मैंने आपको सारी कुछ इम्प्रोवाइजेशन बता दी, और क्या सीखने का बात ही नहीं है कुछ और? और क्या होता है? और इसके बाद कैराओके के, मैं कैराओके के ऊपर प्ले कर दीजिएगा। अभी कैराओके की स्केल क्या, स्केल कैसे ठीक करना है, कैसे ना करना है, वो तो दूसरी चीज हो गया। वो तो यूट्यूब से आप कैराओके डाउनलोड करेंगे, फिर कैराओके की चेंज करेंगे स्केल, वो तो दूसरी बात हो गया। वो तो आप ऐप के साथ कर सकते हैं, वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी के लिए इंटरल्यूड टू को ही सीख लेते जो हम लोग की लास्ट है, ठीक है। इंटरल्यूड टू थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको इधर मतलब पूरा अगर लिख नहीं पाऊंगा तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। मैं फिर चार लाइन करके लिख रहा हूँ, ओके। पहले चार लाइन सीख लीजिए, उसके बाद फिर से चार लाइन सीख लीजिए। हम लोग लिखते हैं इंटरल्यूड की पहली जो चार लाइन है उसको हम लोग कवर अप करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये पा से स्टार्ट होता है इंटरल्यूड की, जो इंटरल्यूड टू चल रहा है ये। इंटरल्यूड वन तो हो गया, इंटरल्यूड टू चल रहा है। एक गा के ऊपर दिया गया, मतलब फिर से वो अपर ऑक्टेव वाला सिचुएशन है। ये आपको आई होप अभी क्लियर हो गया, राइट। तो इसके आगे रे सा और इसके बाद रे, 1 2 3 चार बीट करके चल रहा है, वही हम लोग लिख रहे हैं, चार बीट करके ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा इसके आगे लिखेंगे सा धा, और इसके आगे लिखेंगे सा धापा। ये गया चार बीट करके, वाह इतना दूर तक। अच्छा इसके बाद आते थोड़ा सा लेफ्ट साइड करके लिखते, तो राइट साइड में जाना नहीं पड़ेगा उतना, मतलब एक लाइन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये गया गा में, फिर आपका कोलन, फिर पा, ये आपका लोअर ऑक्टेव पा के नीचे, और ये हो गया आपका हाफ नोटेशन गैप, जो हम लोग बोलते हैं हाफ मात्रा नोटेशन गैप, वही हो गया। और ये लोअर ऑक्टेव में चल रहा है, धा नी, ये सब लोअर ऑक्टेव में चल रहा है, ओके। धा नी, फिर साढ़े, फिर गामा, वाह टाइम बार हुआ। इसके बाद पापा, फिर पापा, और ये हुआ। अभी नीचे आते, इधर मेरा स्पेस नहीं इसलिए मैं निकल नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप इधर ही कंटिन्यू कर सकते। तो इसके बाद नीचे आते हैं और इसको लिखते हैं पा 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 डैश, फिर धा धा, फिर धा डैश धा धा, हुआ इतना दूर तक। फिर आएगा आपका धा 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 और धा, फिर आएगा नी नी नी, नी 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 हुआ। इसके बाद फिर से मैं इधर चला आ रहा हूँ, अब उधर लिख सकते, फिर नी नी,
अपर सा अपर डे, ये दोनों अपर है याद रखिएगा, अपर सा अपर डे ओके। फिर अपर गा में जाना पड़ेगा आपको, गा तक ये वाला नोटेशन चले जाएगा, तो गा तक आपको जाना पड़ेगा ओके। गा गा डे डे डे, उसके बाद आपका होगा सा सा। इसमें एक ट्रिक्स पड़ेगा, एक ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, इसमें जो ट्रिक्स पड़ेगा नी की टच ट्रिक्स तो पड़ेगा ही, पर थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग इसको बजाएंगे। ये जो सा 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 है ये थोड़ा अलग तरीके से हम लोग बजाएंगे कि इसमें क्या ट्रिक्स पड़ेगा। इतना दूर तक हुआ, इसके बाद एक वोकल स्टार्ट होता है, इसके बाद एक वोकल स्टार्ट होता है। अगर आप गाना सुनेंगे उसका भी लिरिक्स मैं लिख दे रहा हूँ, वो इंटरल्यूड टू के अंदर ही आता है, और वो वोकल होता है, मतलब उसको गले से वो लाला लाला करके करते हैं ठीक है। तो वो वोकल को भी हम लोग ये इंटरल्यूड टू के अंदर ही ले रहे हैं। उसके बाद फिर से आपका जो म्यूजिक पार्ट है वो तो चल ही रहा है, तो इंटरल्यूड टू के अंदर ही वो चला आएगा ओके। तो उसको हम इधर ही लिख दे रहे हैं, इसके साथ ही चलेगा वो वाला विदाउट एनी ब्रेक ओके। और ये नीचे ऐसे कर रहा हूँ तो एरो दे रहा हूँ, उसका मतलब तो अभी समझ ही गए हैं कि उसका मतलब होता है क्या, आपका नी प्रेस करके जो ड्रॉ करते हैं हम लोग वही वो चीज़ है राइट। हो गया इतना दूर तक, 1 2 3 4 ओके। ये भी आपका एरो ही जाएगा, ये सब आपका एरो ही जाएगा साका ओके, तो ही वो ट्रिक्स आप डाल पाएंगे। तो इतना दूर तक हो गया नीधा गा, अभी इसके नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा, इधर दिखेगा, हाँ हाँ इधर दिखेगा। तो लास्ट लाइन लिख लेते हैं और उसके बाद सीखेंगे, फिर और भी है, और भी है, वो हम लोग इसके आगे कवर अप करेंगे। तो इतना दूर तक पहले लिखते हैं, इतना दूर तक पहले लिखते हैं, धानी धा धानी धा, फिर धानी डबल टेस्ट धा, नी कोलन धा, फिर पा कोलन रे। तो इतना दूर तक पहले रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले रे गा मा, इतना दूर तक पहले छोड़ते हैं ओके। रे गा मा, रेगा मा, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते, तो आई होप इसको और एक लाइन लिख सकते, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करते, हाँ इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करते तो और एक लाइन आपको दिख जाएगा ओके। रेगा मा, फिर इधर कोलन देकर गा हुआ, कोलन देकर गा, फिर इधर आएंगे गा मा, गा की टच, गा की, गा को प्रेस करके जो हम लोग ब्लो करते हैं वही वाला सिचुएशन है। तो इधर गा टच करके माँ ओके, तो गा टच करके गा प्रेस हो गया, फिर आपका गा, फिर आपका हो गया गामा धा माँ, फिर धानी, फिर आएगा सा अपर डे और अपर सा, ये सिचुएशन कुछ बना। तो ये हो गया आपका इंटरल्यूड टू, पर इसके बाद और भी दो लाइन है, उसके बाद आपका अंतरस्थ चालू होता है। तो पहले इतना दूर तक सीख लेते, इतना दूर तक पहले सीख लेते, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे राइट। तो चलिए इसको पहले पढ़ते, तो पढ़ने की कोशिश करते। तो इंटरल्यूड शुरू होता है पा से अपर ऑक्टेव तक जाता है, तो पागा ऐसे हम लोग बोलेंगे ओके। तो चलिए 1 2 3 एंड स्टार्ट। पागा रे सा रे साधा साधा पा धा पा रे गा, पा धा नी सा रे गा मा पा 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 धा 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 नी 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 सा रे गा 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 रे 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 सा सा सा। अभी वोकल आता है नी सा नी नी सा नी सा नी धा गा धानी धानी धा पड़े रे गा गा धा मा धानी साढ़े सा। हुआ इतना दूर तक कंप्लीट। इधर कुछ आपको ट्रिक्स डालने की जरूरत नहीं है, एक आध जगह और बेंडिंग है वो मैं दिखा देता हूँ, बाकी जो ट्रिक्स है आपका यही है और कुछ नहीं है। मतलब ये जो हम लोगों ने दिए है नी प्रेस करके सब वही है, और ये जो हम लोगों ने दिए है ये ओपन टू क्लोज है और कुछ नहीं ओके। ओपन टू क्लोज वाला ट्रिक से रेगा माँ में, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, गा को टच करके माँ जब भी लिखा जाएगा तो गा गा प्रेस ब्लो ही आपको करना होगा और कुछ नहीं है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है। धानी साढ़े सा को आप नॉर्मल छोड़ सकते या फिर इसमें भी आप ये कर सकते। तो अगर आप प्रेस करके बजाएंगे तो ऑब्वियसली ये थ्रोट वाइब्रेट हो जाएगा,
और अगर आप नॉर्मल बजाएंगे तो ये वाइब्रेटो नॉर्मल जाएगा। आगे समझ में और कुछ नहीं है इसमें ज्यादातर, ठीक है। रे सा रे में आप ट्रिक्स डाल सकते, रे सा रे, हाँ रे सा रे में आप डाल सकते, पर इसमें आप ज्यादातर बेंडिंग कीजिए, इसमें बेंडिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है रे सा रे में। ओके, और कुछ नहीं है इसमें बाकी। हाँ, बाकी और कुछ नहीं है। वोकल इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नीसा से वोकल स्टार्ट हो रहा है, बाकी ये रहा आपका इंटरल्यूड। चलिए अभी हम लोग एक एक लाइन को पकड़ के देख लेते हैं क्या हो रहा है, कि सिचुएशन कैसे बन रहा है। ओके, पहले पागा तो ऊपर जाएगा, तो पागा रे सा रे। पहले मैं नॉर्मली बजा रहा हूँ, बेंडिंग तो बाद में हम दिखा देंगे, तो पहले नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है। पागा रे सा रे, साधा साधा पा, धापा बोल के रुकना है क्योंकि डैश है, धापा फिर ये डैश है, तो धापा को भी खींचना है, तो साधा साधा पा। हो गया इतना दूर तक, तो साधा साधा पा धापा रे गा। फिर से एक टाइम देखिए, अच्छा इसमें फिर से मैं इसमें डिनोट कर रहा हूँ, इसमें आप बजाएंगे क्या मतलब ये सब सिचुएशन में तो आप वाइब्रेटो करेंगे, ये सब सिचुएशन में तो वाइब्रेटो करेंगे, समझ में आ रहा है। अभी इस सिचुएशन में फिर से एक डैश है साधा सा, तो इसमें अगर आपको वाइब्रेटो करना है तो आप वाइब्रेटो इस सेक्शन में लेंगे एंड इस सेक्शन में लेंगे, राइट। आ गया समझ में, जो हम लोग पहले भी कर रहे थे, राइट। फिर ढापा के बाद भी आपको एक डैश दिख रहा है, तो आप पा को ले लीजिएगा, एक बीट में वाइब्रेटो, एक बीट का वाइब्रेटो, और इसमें एक बीट का वाइब्रेटो, तो हो गया आपका। दो बीट में हम लोग वाइब्रेटो कर सकते हैं, हम लोगों को पता है, तो हम लोग पीछे वाले का ले लेंगे, राइट। तो उस वाले सेक्शन को इस वाले में हम लोग कनेक्ट कर दिए, जैसे हम लोग पहले भी सीखे थे। तो धापा रे गा इतना दूर तक हम लोगों का हो गया। अभी इसके बाद चलेंगे पाधानी साड़े गामा। अभी देखिए पा धानी बोल रहा है, क्योंकि पा से धा कनेक्टिंग हो गया, क्योंकि ये हाफ बीट का है, ये हाफ बीट का है। मैंने फिर से बोला है कि ये हाफ नोटेशन गैप, ये हाफ नोटेशन गैप है, और ये हो गया आपका हाफ बीट। ओके, राइट। तो पा से धा कनेक्ट कर जाएगा, पाधानी साड़े गामा पा 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 पा। आराम से देखिए, पाधानी साड़े गामा पा 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 पा, धा 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 धा, नी 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 सा रे गा 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 रे 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 सा सा सा। ओके, तो हम लोग एक एक करके देखते तो आपको सुविधा मिलेगी। देखिए पा धानी सारे से देखते, पा धानी सारे गामा पा पा पा, अभी इसमें मैंने बोले ट्रिक्स डालना है, जैसे मैंने डाले, राइट। तो इसमें क्या डाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल आप छोड़ सकते हैं, गा 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 रे 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 सा सा सा, देखिए हैंड मूवमेंट नोटेशन है आपका, गा 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 रे 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 सा सा सा, ये नोटेशन है, राइट। तो गा 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 रे 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 सा सा सा, पर रे रे सा 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 में हम लोग नी प्रेस करके बजा रहे हैं, दैट इज फाइन। तो नॉर्मल अगर होता तो क्या होता, ये होता, पर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा ट्रिक्स उसमें अप्लाई किया, और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स। ओके, हाँ राइट, मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स हम लोग इसको बोलते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको बजाते कैसे, कुछ नहीं, आपको एक ही पोजीशन में बैठे बैठे कंटिन्यूअसली ओपन टू क्लोज करना है। क्या मैंने बोले, आपको एक ही जगह पर बैठे बैठे कंटिन्यूअसली आपको ओपन टू क्लोज, क्लोज टू ओपन, ओपन टू क्लोज, क्लोज टू ओपन कंटिन्यूअसली करना है, तो वो सेक्शन चलाएगा कैसे, देखिए। तो क्या किया हमने, इसको कंटिन्यूअसली ओपन टू क्लोज, क्लोज ओपन टू क्लोज, ओपन टू क्लोज ऐसे कर जाना है। अगर धीरे दिखाए तो कैसे होगा, इसी सिचुएशन को आपको जल्दी करना है, तो आ गया समझ में। तो इसी सिचुएशन को अगर आप जल्दी कर देंगे तो वो वाला ट्रिक सबका पड़ जाएगा, जो क्या है,
मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स, आपको याद भी रहेगा मल्टीपल। अच्छा ये सब नाम नहीं होता, हाँ ये सब कोई नाम नहीं होता, आप किसी के पास जाके बोलेंगे मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स मैंने सीख क्या है, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। ये बस मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने बोला टचिंग मोशन पार्ट टू पार्ट वन, कोई नहीं समझेगा, आप किसी को बोल लीजिए कोई नहीं समझेगा। आप बजा के दिखाएंगे तो ये समझ, मतलब सामने वाले इंसान को समझ आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये बस मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं कि हाँ यहाँ पर टचिंग मोशन पार्ट वन है, यहाँ पर पार्ट टू है, यहाँ पर मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स है। ये बचपन में जब हम लोग करते थे इसको, हम लोग बचपन में जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, मतलब आज से कम 7-8 साल पहले, तो तब हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग पानी की एक साउंड होता है ना, पानी की एक साउंड कल 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 ऐसे साउंड होता है, तो उसको हम लोग माउथ ऑर्गन के ऊपर लाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे ही बोलते थे वाटर साउंड प्रोड्यूसर, हम लोग इसको कहते थे। तो वाटर साउंड प्रोड्यूसर करके ही हम लोग तब प्रैक्टिस करते थे। तो हम बाद में इसका नाम डाल दिए बस मल्टीपल स्लाइडिंग प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। आप इसको सा रे गा मा हर एक बीट में ही इसको कर सकते हैं, हर एक नोटेशन में इसको अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें तो होगा ही जैसे मैंने आपको दिखा दिया। तो हर एक बीट में कैसा होगा, तो इसको पानी के साउंड के जैसा सुनाता है, देखिए पहले धीरे धीरे, अभी जो अगर फास्ट होगा पानी के जैसा, फास्ट पानी बह रहा है जैसा, ये होता है स्लाइडर की कंट्रोल। आप कितना स्लाइडर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये वही, और कुछ नहीं। मैं यही कर रहा हूं, बार बार यही कर रहा हूं, पर इस दौरान मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि हर एक बीट में वो जैसा पहला बीट है वैसे ही सेकंड बीट है, वैसे ही थर्ड बीट है, वैसे ही फोर्थ बीट है, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत शानदार ट्रिक्स है, बहुत टाइम मैंने आपको बता भी दिए कि जब भी आप राइट बहुत ज़्यादा स्लाइडर यूज़ कर रहे तो राइट हैंड के साथ आपका लेफ्ट हैंड भी थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए, इसको इधर से थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए, इधर से जितना आप प्रेस करेंगे उतना आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, इधर से भी करिए इधर से भी करिए, तो ये माउथ ऑर्गन एक ही जगह पर रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा राइट हैंड ऐसे जाएगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। दोनों तरफ से कीजिए ओके। तो ये ज्यादा इफेक्टिव है और कुछ नहीं, ओके। तो ये स्लाइडर ट्रिक्स मैंने आपको सिखा दिए बहुत बढ़िया से। इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके आगे चलेंगे जो वोकल स्टार्ट होता है, नीसा से स्टार्ट होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे नीसा से क्या उसको बताते हैं। तो चलिए बोर्ड के ऊपर फिर से चलते हैं। इतना दूर तक हम लोगों ने कर लिए स्लाइडर मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए। ये याद रखिएगा, ये जो सेक्शन है ये नॉर्मल आप बजा सकते या फिर आप क्या कर सकते मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स, MST करके मैं लिख रहा हूँ, मल्टीपल स्लाइडर ट्रिक्स आप इसमें कर सकते, हो गया, आ गया समझ में। इसके बाद इसमें कर रहे हैं, ओके। अच्छा, इसके बाद जब वोकल में आएगा तो नी सा, ये जो सा है ये आप नॉर्मल कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस सा को आप प्रेस में लीजिए ताकि ये आगे वाले सा को आप जब बजाएंगे तब तकलीफ ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं इस लाइन में नी सा है, फिर नी निशा है, फिर निशा है, तो ये पूरे सेक्शन में आपका ये जो टच पड़ रहा है ना, ये टच देने के लिए आपको नी प्रेस करना ही पड़ेगा। ये टच अगर आप नॉर्मल सा लेंगे तो ये टच नहीं मार सकेंगे, तो ये जो नी की टच हो रहा है, ये जो नी की टच हो रहा है, इसको देने के लिए आपको नी प्रेस करके ही ये सा बजाना पड़ेगा। तो अगर इस पोजीशन में, अगर इस पोजीशन में आपको नी प्रेस करके सा बजाना ही पड़ेगा, तो इसके पहले वाला और इसके आगे वाला दोनों पोजीशन में ही आप नी प्रेस करके ही सा ले लीजिए, ओके। और इसके बाद ये जो नी रहेगा ना, इसमें क्लोज टू ओपन आप कर दीजिएगा, इसमें ये जो नी रहेगा इसमें आप क्लोज टू ओपन कर दीजिएगा। तो नी सा नी नी सा नी सा नी धागा, इसको हम लोग बजाते हैं, देखिए आ गया समझ में। फिर धानी धा धनी धानी धा पाड़े, इसमें टचिंग मोशन पार्ट टू पढ़ रहा है, धानी धा पड़े धानी धा, धा को टचिंग मोशन पार्ट टू देना है, ठीक है। तो धा एक्चुअली क्या बजेगा आपका, धानी धा, ओके धानी धा। तो धानी धनी धा पाड़े धानी धनी धा पाड़े, आगे समझ में। फिर रेगा मा, इसको नॉर्मल ले सकते हैं, रेगा मा फाइन, ये नॉर्मल अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, नॉर्मल ले सकते, या फिर ओपन टू क्लोज,
ओके रे गा मा गा गा मा गा गा मा धा मा धा नी सा रे सा। इधर मैंने आपको बोल दिया अगर आप क्लोज में ले रहे हैं तो थ्रोट वाइब्रेटो कीजिए, अगर नहीं ले रहे तो आप नॉर्मल वाइब्रेटो कीजिए। आ गया पूरा समझ में? अभी एक टाइम पूरा देख लेते हैं कि कैसे बजता है माउथर गन के ऊपर। इसके बाद दो और लाइन है इंटरल्यूड टू की, उसको सीखेंगे और खत्म करेंगे ये ट्यूटोरियल। ओके, ये जो इंटरल्यूड टू रहा इसको हम लोग पहले बजाएंगे। इसको नॉर्मल ही मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, ओके, पर इसमें आप ऑक्टेव में भी प्ले कर सकते हैं। मैं उधर भी बोलना भूल गया कि इंटरल्यूड वन भी आप ऑक्टेव से प्ले कर सकते हैं। जहां पर म्यूजिक दिखे उधर पर तो ऑक्टेव बजता ही बजता है, तो इधर भी आपको ऑक्टेव बजाना है। तो पहले मैं नॉर्मली बजा के सुनाता हूँ, उसके बाद ऑक्टेव थोड़ा सा दिखा दूंगा। ओके, तो पा गा रे सा रे, उधर से हम लोग बजा रहे हैं, देखें अच्छा। इधर भी एक क्लोज टू ओपन ट्रिक्स पढ़ सकता है, अगर आप बेंडिंग कर रहे हैं तो बेंडिंग कीजिए, नहीं तो क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स इधर पढ़ सकता है। वो अभी मतलब बजाते बजाते फिर से चला आया, तो उधर भी मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर में। तो ये रेसाड़े वाला ट्रिक्स भी हो सकता है, रेसाड़े ये हो सकता है ट्रिक्स, या फिर बेंडिंग, ये बेंडिंग कर सकते या फिर वो ट्रिक्स डाल सकते, वो ट्रिक्स ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो कोई सा भी आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि बेंडिंग अच्छा नहीं लग रहा है, कोई सा भी आप इसमें डाल सकते हो। ओके, तो मैं ट्रिक्स डाल के आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका इंटरल्यूड का पार्ट जो मैंने नॉर्मल बजाया, और सारे कुछ ट्रिक्स मैंने आपको दिखाया। मल्टीबेस लाइन ट्रिक्स मैंने तो आपको सिखाए दिए, बजाए नहीं बस सिखाए दिए, और आगे तो पहले तो बजाए दिए थे, अभी बस नॉर्मली बजा दिए। अभी हम लोग आते हैं ऑक्टेव में। ऑक्टेव में क्या हो रहा है, सेम ही चीज बज रहा है ऑक्टेव। अच्छा, ऑक्टेव की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑक्टेव की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो ऑक्टेव को ढंग से सीख लीजिए, उसके बाद तो आपको प्ले करना है गाने में। ओके, तो ऑक्टेव की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पा गा इससे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मिडिल ऑक्टेव से जाएंगे। तो पा है मिडिल ऑक्टेव में, तो उधर आपका मिडिल और लोअर चलेगा, और गा है अपर ऑक्टेव में, तो उधर आपका चलेगा अपर एंड मिडिल। ये ध्यान रखें कि पा है आपका मिडिल वाला नोटेशन, तो उसमें अगर ऑक्टेव प्लेइंग करना है तो आपका मिडिल और लोअर लेकर आपका करना पड़ेगा, और अगर अपर गा बजट है तो आपको अपर एंड मिडिल लेकर करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है? बाकी तो आपका पूरा नॉर्मल नोटेशन चल रहा है और कुछ नहीं। जब लोअर में आएगा तब मैंने आपको ये दोस्ती में भी सिखाया था, जब लोअर में आएगा तब ऑक्टेव की ही पोजीशन रहना है, बस उसको लोअर लेकर निकल जाना है। कैसे मैं दिखाता हूं थोड़ा सा, देखिए पा गा इधर तो आप ऊपर ही बजाएंगे, अभी इसके बाद लोगों को तकलीफ आता है कि पा धानी को कैसे बजाए, तो वैसे ही मुंह रखना है, ऐसे ही आपको वाइट करके रखना है और पा धानी को लेकर निकल जाना है। हा पा डे का लास्ट था, दैट इज फाइन। अभी इसके बाद जब लोअर ऑक्टेव में जाएंगे ना, तब मुंह को अपर लिप और लोअर लिप को वही रखना है, तो ऑक्टेव के जैसा ही रखना है, और आपको उसमें नॉर्मल बजा देना है, फिर साढ़े से आपको ऑक्टेव घुस जाना है। आया समझ में? पर नॉर्मली लोग जो करते हैं पाधानी को नॉर्मल बजाते हैं, फिर ऑक्टेव घुसाते हैं साढ़े से, मतलब पहले पाधानी को मुंह छोटा रखते हैं टांग ब्लॉकिंग का जैसा, फिर साढ़े से आप वाइट कर देते, ऐसे लोग करते हैं, ये करते लोग, दैट इज फाइन। पर मेरा जो स्टाइल है मैं वैसे ही रखता हूं मुंह को,
वैसे ही रखने से क्या, वैसे ही रखता हूँ और पादानी को नॉर्मल बजाता हूँ, पर वो टाइट पकड़ता हूँ ताकि वो एयर जो गैप हो रहा है वो ना हो, ठीक है। ऑक्टेव के बजाने के टाइम जो एयर गैप होने की चांसेस है, क्योंकि आप ऑक्टेव से डायरेक्ट टांग ब्लॉकिंग में जा रहे हैं, तो वो चांसेस आपका रिड्यूस होना चाहिए ताकि अपर लिप और लोअर लिप आपका एकदम पकड़ में होना चाहिए, एकदम जॉइंट पकड़ में होना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं है जैसे मैं बजा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मुंह वाइड ही है, मेरा मुंह चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, मैं वाइड ही रखा पर उसपे मैं टाइट से पकड़ रहा हूं। फिर से दिखाता हूं, आगे समझ में। तो ये रहा पूरा इंटरल्यूड टू ऑक्टेव के साथ, दो लाइन अभी भी बाकी है, चलिए लास्ट दो लाइन को कंप्लीट करते और उसके बाद हम लोग ट्यूटोरियल को खत्म करेंगे। अच्छा, इसके पहले डे सा डे भी मैंने आपको बताया था क्लोज टू ओपन, वो भी नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड पे लिख के देता हूँ कि रेसा डे क्या बोल रहा था हम, ठीक है, मैं क्या बोल रहा था। तो बजाने के टाइम मैंने नोटिस किया कि इसमें आपका क्लोज टू ओपन वाला ट्रिक्स पड़ेगा, जैसे आपने देखे बजाने के टाइम मैंने इसको देखे कि ये क्लोज टू ओपन ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये क्लोज टू ओपन बजाने से आपको मतलब स्वीटनेस बढ़ेगा, ठीक है, रे साड़े क्लोज टू ओपन ज्यादा अच्छा लग रहा है। इधर नीनी साड़े ये भी आप क्लोज करेंगे, ये बजाने के टाइम मैंने नोटिस किया, तो ये भी आप क्लोज करेंगे, ये छूट गया था, ये भी आप क्लोज में लेंगे, मतलब नी प्रेस सा करके आप लेंगे, ओके, नी प्रेस ड्रॉ से जो सा मिलता है, फिर से मैं लिखता हूँ, नी प्रेस ड्रॉ इक्वल टू सा, वही आप ले रहे हैं, ओके, नी प्रेस ड्रॉ इक्वल टू सा, वही हम लोग ले रहे हैं। तो आ गया पूरा समझ में ये वाले सिचुएशन। तो इंटरल्यूड टू आपका कंप्लीट हुआ, हाफ कंप्लीट हुआ, अभी लास्ट दो लाइन बाकी है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और लास्ट दो लाइन को भी हम लोग लिख लेते हैं कि लास्ट दो लाइन क्या है। लास्ट दो लाइन को लिखेंगे, लास्ट दो लाइन, ओके, इंटरल्यूड टू में ही ये आ रहा है, इंटरल्यूड टू ही चल रहा है, इंटरल्यूड टू की लास्ट दो लाइन वो हो गया, अभी लास्ट दो लाइन चल रहा है, लास्ट दो लाइन में कुछ नहीं, सानी धा पा धा मा फिर नीधा नीधा हो गया, नीचे आ रही है पा गा पाड़े गा सा रे और ये लोअर ऑक्टेव की धा बजेगा, ओके, और लास्ट में बजेगा सा, फिर ये जो गा गा वाला पोर्शन है ये जो है इधर से आपका क्या होता है अंतरा स्टार्ट हो जाता है, गा सा रे धा सा तक ही है, फिर इधर सा रा गा, इधर से आपका क्या हो रहा है वही आपका अंतरा का कनेक्टिंग पॉइंट ये हो गया, ओके, इधर से फिर से आपका अंतरा चालू हो जाता है। लास्ट दो लाइन हम लोग फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद बजा के आपको दिखा, जो खत्म हुआ था मतलब इंटरल्यूड का ही लास्ट जो हम लोग खत्म किए थे वो था मा फिर धानी मा धानी साढ़े सा, इधर तक खत्म किए थे, राइट, इसको लिखना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही हम लोग इसको पढ़ सकेंगे। तो मा धानी साढ़े सा नी धा पा धा मा धा नी धा नी धा पा गा पा रे गा सा रे धा सा गा 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 रे रे सा सा पा बोल के फिर से अंदर स्टार्ट हो गया, राइट, तो समझ में आया क्या मैंने बोला। तो मा धा नी साढ़े सा नी धा पा धा, क्या मैंने बोला धा पा धा, देखिए पढ़ भी वैसे ही रहा हूं क्योंकि ये कोलोन है, तो धा को खींचेंगे और पा को जोड़ देंगे, तो धा को खींचेंगे सा नी धा पधा मा धा नी धा नी धा पा गा पा रे का सा रे धा सा ला 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 गा 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 रे रे सा सा पा, वो फिर से स्टार्ट हो जाए। तो सानी से हम लोग देखेंगे, माधानी से स्टार्ट करते हैं,
गया समझ में? कुछ नहीं इसमें। माधा नी साढ़े सा नी धा पधा माधा, इसमें एक छोटी सी बात है, मैं उसको भी कवर अप कर देता हूँ। देखिए क्या मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए हारमोनियम तो आ गया पूरा समझ में। एक छोटा सा बात, छोटी सी जो बात है वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए माधा नी साढ़े सा नी धा ऐसे आएगा, सा नी धा, तो कट कट सिचुएशन बन रहा है, आपको खींचना नहीं है। ओके कैसे, देखिए पहले मैं गलत बजा रहा हूं, ये हो गया खींच के सा नी धा पा धा मा धा, पर ऐसे नहीं है गाने में। गाने में ला ला ला, तो सा नी धा ऐसे कट कट बजाना पड़ेगा। तो क्या बजाएंगे उसके बाद? ठीक है उसके बाद ठीक है, पर पर्टिकुलरली सा नी धा वाला पोर्शन कट कट कैसे बजाया जाता है? कट कट बजाया जाता है जो आप बजा रहे हैं नोटेशन को, उसको खींचिए मत, उसको खींचिए मत। जब आप सा बजा रहे, देखिए साढ़े गा मा, तो साढ़े गा मा बोल भी वैसे रहे, साढ़े गा मा, पर अगर कट कट बजाना है तो बोलेंगे कैसे? साढ़े गा मा। तो वही होता है कट का सिचुएशन, वही मैं इधर यूज कर रहा हूं, और कुछ नहीं, उसको खींचिए मत। सॉरी, कट कट लास्ट वाले सिचुएशन में कट कट, आपने देखे का सा रे धा सा, फिर से ये सिचुएशन चला आता है, राइट? पूरा कंप्लीट। अभी भी एक चीज बाकी है। क्या बाकी है? जब आप हाँ एक सेकंड, जब आप पहले में भी बजा रहे थे, आगे भी जाने ना, तू मैंने आपको पूरा नोटेशन दे दिए, पूरे क्लियर, पूरा क्लियर हो गया, ठीक है? अभी क्या होता है, आगे भी जाने ना तू, ये वाला सेक्शन बहुत टाइम रिपीट होता है, ठीक है? दो बार तीन बार रिपीट होता है। तो गापा सा तो है ही, बजाना है, पर बेंडिंग भी मैंने आपको सिखा दी, वो सब कुछ है, दैट इज फाइन। पर कोई कोई पोजीशन में ना आप उसको भी आप तोड़ के लीजिएगा, तो वो मतलब माउतरगन के हिसाब से वो बहुत सुनने में अच्छा लगता है। तोड़ के मतलब उसको भी कट कट बजाना। देखिए गापा सा आगे भी, ये आप कट सकते आगे भी, या फिर आप कर सकते आगे भी, तो आगे भी ये कट हो गया सिचुएशन। हमने पहले एक साथ लिए, तो गा पा सा, या फिर हम ले सकते थे सा को जाके खींचेंगे, क्योंकि आगे भी में खींचाइए, आगे को हम लोग थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, तो ये माउतर गान या फिर इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। आगे भी जाने ना तू, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन और कुछ नहीं, थोड़ा सा, ये गाने में हो या ना हो, ये आपको इंस्ट्रूमेंट में बजाना है, ताकि एक ही चीज बार बार ना रिपीट हो। क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या होता है चीजें, जब गाने में होता है ना तब लिरिक्स आता है, तो लिरिक्स अलग 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 लिरिक्स होता है, पर नोटेशन तो एक ही होता है। तो जब आप गा रहे हैं तो लिरिक्स अलग होने के कारण वो अच्छा लग रहा है, पर जब आप बजा रहे हैं ना तब आप क्या कर रहे, एक ही नोटेशन को बार बार रिपीट कर रहे, एक ही नोटेशन को बार बार रिपीट कर रहे, तो रिपीटिंग के टाइम में एक ही नोटेशन तो बजा नहीं है, पर उसमें थोड़ा सा आप हरकतें अगर मतलब डाल सकेंगे तो वो स्वीटनेस बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। गा पा सा नी सा नी धा पा धा, इसके बाद गा पा धा, ये बजाइए। ओके तो देखिए, सॉरी, ये
बस छोटा सा एक बात है और कुछ नहीं, छोटी सी एक बात है, इसको अगर आप डाल सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमेशा ही मत करिएगा कोई कोई जगह पर, एक आध जगह पर करके निकल जाना है, जैसे मैंने बोला है कि छोटा मोटा हरकत है तो कोई कोई जगह पर आपको करके उसको निकल जाना है। ओके राइट, समझ में आ गया। आपका पूरा ट्यूटोरियल आगे भी जाने ना तू के लिए हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, तो कैसा लगा ट्यूटोरियल जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए अच्छे से रहिए, मस्त बजाते रहिए, चलिए टेक केयर, बाय।